गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं इंटरफेरेंस इन लॉन्गिट्यूडनल वेव। हालांकि इस टॉपिक से तुम रूबरू हो, इंटरफेरेंस मैंने पढ़ रखा था, ट्रांसवर्स वेव में पढ़े मैं पढ़ा बताया था आप लोगों को। ट्रांसवर्स मतलब आपकी वेव ऑन स्ट्रीम पे मैंने डिस्कस किया था कि कैसे इंटरफेरेंस वहाँ पे होगी। मैंने आपको सिखाया था कि इंटरफेरेंस कैसे होगा, वहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, वो सारी चीज़ें अपने देखा था, कैलकुलेट किया था। ओके, बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे होने वाली है। यहाँ पे जो आपका इक्वेशन वाई, वहाँ पे वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा इनटू टी माइनस के एस के फॉर्म में होता था, यहाँ पे प्रेशर वेव के फॉर्म में पड़ेंगे और नथिंग कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। फिर से एक बार रिपीट करूँ, बिल्कुल पहले वाली सारी चीज़ें सेम, कुछ नया नहीं है। अभी तुम लोग देखना कुछ भी नया नहीं है, बस आपका जो एक्सप्रेशन जो होता था वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा इनटू टी, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में होती थी, हम प्रेशर वेव के फॉर्म में अपन प्रेशर वेव लिखेंगे और वहाँ से चीज़ें निकालेंगे। एक बार पहले क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। हालांकि मैं तुमको सिखाया था कोहेरेंट सोर्स मतलब क्या, ऐसे दो सोर्स हैं, इनसे क्या होगा वेव निकलेगा, इनसे क्या होगा वेव निकलेगा, तो इनकी इसकी भी कुछ फेज होगी, इसकी भी कुछ होगी, तो इनका जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा, टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, टाइम के साथ क्या होगा डेल्टा फी फेज डिफरेंस क्या होने वाला, डेल्टा फाइव क्या होगा इसका चेंज नहीं करेगा, डेल्टा फाइव क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा, समझना नहीं, टाइम के साथ चेंज नहीं होने वाला है। तो मैंने लिख रखा है कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव डजंट डिपेंड ऑन टाइम फ्रॉम देयर सोर्स, ठीक ना, देन देयर सोर्स इज नोन एज कोहेरेंट सोर्स। अगर ऐसे वेव मान लो कि ये दोनों वेव है, इनका जो फेज डिफरेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है, अगर डजंट डिपेंड ऑन टाइम मीन्स व्हाट, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपका अभी देखो या 10 सेकंड बाद देखो या एक घंटे बाद देखो फेज डिफरेंस क्या है, कॉन्स्टेंट है, तब हम क्या बोलेंगे उस वेव, ये जो वेव जो जनरेट हुआ कहाँ से जनरेट हुआ, इन दोनों सोर्स से, तो ये वेव अगर इनका फेज डिफरेंस क्या है इन दोनों वेव का कॉन्स्टेंट है, तो ये जिस वेव जो वेव मतलब जिस सोर्स से डेवलप हुई तब उन दोनों सोर्स को हम लोग बोलेंगे क्या है, कोहेरेंट सोर्स है। कोहेरेंट सोर्स का मतलब ये हुआ कि जो भी इनसे दो वेव निकलने वाली है इनका फेज डिफरेंस क्या है, टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, दैट मीन्स टाइम के साथ क्या रहने वाला है, कॉन्स्टेंट रहने वाला है। ये बात हमने सीखी कोहेरेंट सोर्स की, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट लिख लो, टू कोहेरेंट सोर्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी, और भी टर्म्स सेम होता है पर हमें देखना है क्या, हमें सेम फ्रीक्वेंसी से मतलब रखनी है। एक बात याद रखना, जब भी मैं बोलूंगा टू कोहेरेंट सोर्स या दो टाइप के आइडेंटिकल सोर्स, क्या बोलूंगा आइडेंटिकल सोर्स, पिछले बार मैंने कोहेरेंट सोर्स डिस्कस नहीं किया था, पिछले बार इंटरफेरेंस बोला था, तो मैंने बोला कि दोनों क्या है सेम टाइप के सोर्स हैं, आइडेंटिकल है, बात वही हो गई, सेम टाइप बोलो, आइडेंटिकल बोलो, कोहेरेंट बोल लो, ठीक है ना, तो सारी बातें होगी। तो वहाँ मैंने कोहेरेंट को डिस्कस नहीं किया था, वहाँ पे मैंने किस तरह से डिस्कस किया था, मैंने बताया कि दोनों सेम टाइप की फ्रीक्वेंसी रखती है, ठीक है। तो याद रखना कि जब भी दो कोहेरेंट सोर्स होंगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम। अगर मैं बोलता हूँ कि दो कोहेरेंट सोर्स अगर है, दो कोहेरेंट सोर्स है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम, और उनका फेज डिफरेंस आपके क्या रहने वाला है, कॉन्स्टेंट रहेगा, फिर डिफरेंस क्या होगा, कॉन्स्टेंट, डजंट चेंज विद टाइम। तो ये बात होगी कोहेरेंट सोर्स की। बिल्कुल मैं फिर से रिपीट कर दूँ, सारी चीज़ें सेम है। अभी तुमको देखना मैं कैसे बताता हूँ कि बिल्कुल सारी चीज़ें सेम है, कुछ भी नया नहीं, तो अब मैं देखने वाले हैं आपका कि कैसे अपन देखते हैं। ओके, तो पहले अभी यहाँ तक नोट कर लो और आगे तुमको अभी मैं बताता हूँ। अब बच्चों ध्यान दो, तुमको तो मैंने बता दिया इंटरफेरेंस के बारे में, कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिकल टाइप के सोर्स जिसके फ्रीक्वेंसी रहने सेम। क्यों बताया उसका जरा यूज समझ लो। मैंने क्या किया, दो एक सोर्स लिया बच्चों, एक मैंने S1 लिया, एक मैंने S2 लिया, ये मेरे क्या दोनों सोर्स हैं, दोनों सोर्स के आइडेंटिकल नेचर में, दैट मीन्स कोहेरेंट सोर्स है, S1 S2 एंड कोहेरेंट सोर्स, लिख लो ऊपर S1 एंड S2 आर कोहेरेंट सोर्स। तो इसका मतलब क्या होने वाला बच्चों, फ्रीक्वेंसी में क्या लूंगा, सेम लेने वाला। ध्यान से देखना, यहाँ से मेरी एक वेव निकली इस सोर्स से, यहाँ से वेव निकली और मैंने क्या किया कि स्पेसिफिक पॉइंट पी लिया, ये मेरा पॉइंट पी है, ध्यान रखना, ये मेरा पॉइंट पी है। अब ये यहाँ से आई, ये यहाँ से आई, अब क्या होगी, यहाँ मिलेगी, तो अफकोर्स जब दो वेव मिलेंगी तो हम देखेंगे रिजल्टेंट किस तरह की वेव होने वाली है, तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे, जरूर कहीं ना कहीं लगाएंगे, मैंने आगे लगाया है, ठीक है ना, उसको अपन देखेंगे। तो तुम्हारे दिमाग में एक तो बात क्लिक हो जानी चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कॉन्सेप्ट लगने वाला, क्योंकि दो वेव है। अब ध्यान से तुम देखो, तो ये वेव क्या हुई, X1 चली है बच्चों, और ये वेव क्या आपकी X2 चली है। मैं क्या है, इसके पहले इंटरफेरेंस जब सिखाया था तो मैं फिर से बता दूं कि हमने यहाँ पे लिखा था Y1 A sin omega into t minus kx, वहाँ फाइव वन शायद इनिशियल फेज नहीं कंसिडर किया था कि पता नहीं किया था, याद नहीं है, आप कंसिडर भी कर सकते हो, नहीं कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात होने वाली नहीं है, वहाँ पे सीखा था। और Y2 इसके लिए Y2 हो रहा था A sin omega into t minus kx plus Phi 2। यहाँ पे क्या है, साउंड वेव के केस में, लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में हम चीज़ों को लेंगे प्रेशर वेव के लेंगे, क्योंकि प्रेशर वेव में क्या होता है, चीज़ें समझ में आती है और इजी रहती है।
तो यहाँ प्रेशर वेव के लिए फॉर्मूला है, तो तुमको सिखाया था डेल्टा पी कुछ डेल्टा पी ना साइन ओमेगा इनटू टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये सिखाया था। और मैंने बताया था डेल्टा पी का चेंज प्रेशर, तो अक्सर वो भी हो सकता है या सिंपल ऐसे भी लिखा रहेगा, तो इसका मतलब समझना है ये कि यहाँ पे चेंज इन प्रेशर है और ये चेंज इन प्रेशर का मैग्नीट्यूड है। तो अगर हम इसके लिए लिखें इक्वेशन वेव लिखें, एस वन से जो मेरी सोर्स बन, याद रखो जो एस वन मेरी सोर्स है इससे जो मेरी वेव क्रिएट हुई है, तो मैंने इसका जो इक्वेशन लिखा बच्चों वो हो गया पी वन इक्वल टू पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ध्यान रखो ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स वन प्लस फाइव वन, फाइव वन क्या इनिशियल फेज है ठीक है, और ओमेगा क्या फ्रीक्वेंसी, माइनस मैंने लगा दिया माइनस के इंटू एक्स वन प्लस फाइव वन, ओमेगा इनटू माइनस के एक्स वन प्लस फाइव टू फाइव वन सॉरी। एस टू से जो मेरी वेव निकले बच्चों, एस टू वाली वेव एक्स टू चली, कितनी डिस्टेंस चली आपके एक्स टू चली है, मैं इसकी वेव निकल लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर पी टू कस टू पी नॉट टू साइन ओमेगा इनटू टी माइनस के एक्स टू प्लस फाइव टू। ये क्या है पी नॉट वन इसका एम्पलीट्यूड है, प्रेशर एम्पलीट्यूड इसका, ये प्रेशर एम्पलीट्यूड है ठीक है ना, और पी टू क्या किसी टाइम टी पे क्या चेंज इन प्रेशर है। अब क्या इस वाले टर्म को देखो साइन ओमेगा इनटू टी माइनस के एक्स टू प्लस फाइव टू, इसको ध्यान से देखना है, यहाँ पे तुम देख रहे हो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, हो सकता है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी दो अलग अलग सोर्सेस हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है डिपेंड ऑन द सोर्स डिपेंड करती है, पर सोर्स अलग है तो डिपेंड फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है, पर मैंने क्या ले लिया एस वन एस टू एंड कोहेरेंट सोर्स, और मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है तो कोहेरेंट सोर्स का कि अगर कोई कोहेरेंट सोर्स है तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली सेम, दैट मीन्स ओमेगा और ओमेगा इसके रहने वाले सेम, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो यहाँ पर माइनस रहेगा ठीक है ना, दोनों सेम पॉजिटिव डायरेक्शन चल रही है तो यहाँ पे माइनस होगा, तो ऐसा नहीं कि यहाँ प्लस होगा, दोनों माइनस रहेगा, क्या होगा इनटू में एक्स वन चला है माइनस के इनटू क्या होगा एक्स टू होगा ठीक है। अब क्या है तुमको यहां से पता कर सकते कि क्यों सेम है, क्यों कि अफकोर्स सेम रहेगा, कि के कोस टू क्या होता है ओमेगा अपॉन वी होता है ठीक है, के क्या तो ओमेगा सेम है और वी स्पीड ऑफ क्या होगी स्पीड ऑफ जो भी वेव एक ही मीडियम के रहने वाले सेम रहने वाले, तो ये हो गया बच्चों क्या आपका ओमेगा इनटू टी माइनस के एक्स वन, तो के किससे में एक्स वन चला एक्स टू चला है और इनिशियल फेज क्या फाइव वन फाइव टू, तो ये तुमको मैंने अभी इक्वेशन समझाया है कि ये मैंने कैसे लिखा है ठीक है। अब मैं तुमको बोला फाइव वन फाइव टू आर इनिशियल फेज, तुमको याद करने के लिए बता, दिमाग में डालने के लिए बता दिया फाइव वन फाइव टू आर इनिशियल फेज। अब मैं क्या चाहता हूँ दोनों का फेज डिफरेंस चाहता हूँ, इनके बीच में फेज डिफरेंस क्या है, तुमको बताया था कि इसका इसे बोलोगे इनिशियल फेज, लेकिन बोलोगे कि ये जो पूरी टर्म है ये इस वाली इक्वेशन का फेज होगा और ये वाली टर्म पूरी क्या होगी इसकी फेज होगा। अब कभी भी कंफ्यूज मत, ये फाइव वन बोलेंगे इनिशियल फेज और ये जो पूरा टोटल टर्म है ये आपका ओनली फेज बोलेंगे, ओनली फेज ठीक है ना। तो अगर मेरे को फेज डिफरेंस निकालना है तो दिस माइनस दिस करेंगे या दिस माइनस दिस कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि चेंज ही अपने को देखना है, वही फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस इनकी फेज में कितना चेंज हो रहा है, दोनों का चेंज लेंगे, इस वाले टर्म का इस वाले टर्म का डिफरेंस रहने वाले। तो मैंने लिखा डेल्टा फाइव इक्वल टू ओमेगा इनटू टी माइनस में के वन एक्स माइनस के वन, यहाँ पे के लिख लो माइनस के इंटू एक्स वन प्लस फाइव वन, माइनस में हो जाएगा फिर इसका लिखा ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स टू प्लस में फाइव टू, दोनों का डिफरेंस लिया तो ये तो ओमेगा इंटू टी और ओमेगा टी क्या हो जाएगा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो के एक्स टू के मेरा कॉमन हो जाएगा इसके लिए, तो के इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस में फाइव वन माइनस फाइव टू हो जाएगा, इतनी बात हो गई। तो मैं लिख सकता हूँ वॉट डेल्टा फाइव कोस टू के इंटू डेल्टा एक्स प्लस में फाइव माइनस फाइव टू, इसको लग स्टार मार्क, यानी कि फेज डिफरेंस क्या है बच्चों डेल्टा फाइव कोस टू के इंटू डेल्टा एक्स प्लस में फाइव वन माइनस फाइव टू, हमने इसके पहले क्या पढ़ा था ओनली डेल्टा फाइव कोस टू के इंटू डेल्टा एक्स, लेकिन जनरली बच्चों होता क्या है डेल्टा फाइव कोस डेल्टा एक्स नहीं होता है, वो बेसिकली यहाँ पे एक और टर्म आता है फाइव वन माइनस फाइव टू का टर्म आता है, यानी कि इनिशियल फेज का डिफरेंस, ये फाइव वन फाइव टू क्या है द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल फेज ऑफ टू वेव ठीक है ना। लेकिन जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है फाइव वन कोस टू फाइव टू होता है, तब क्या होगा डेल्टा फाइव देन डेल्टा फाइव कोस टू के इंटू डेल्टा एक्स, तब जाकर होता है के लिए टू पाई अपन में लैम्डा टू डेल्टा एक्स। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए दिमाग में कि k इनटू डेल्टा फाइव कोस k इनटू डेल्टा एक्स ऐसा नहीं कि ऑलवेज होगा, वो तब होता है जब दोनों के इनिशियल फेज क्या हो जीरो हो ठीक है, या तो फेज डिफरेंस है ही नहीं इनका, या अगर हो तो दोनों सेम हो, दोनों सेम होगा तो उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इसलिए बता दिया कि तुम्हें मैं यूज करूंगा ठीक है ना, हालांकि तुमको ऑलरेडी पता था लेकिन ये तुमको यहाँ से फिर से सीखने को मिला होगा कि प्लस में फाइव माइनस फाइव टू का टर्म होता है। अब जो चीज़ें तुम वहाँ पढ़े थे पहले वही चीज़ में लगाने वाला हूँ, दो चीज़ें मिल गई, तो इस पॉइंट पी पे इसका नेचर कैसा होगा इस वेव का वो हमें देखना है, तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन लगाएंगे हम लोग, तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या हो जाएगा पी कोस टू पी वन प्लस पी टू, यानी कि वाई कोस टू वाई वन प्लस वाई टू होता है ना, क्या बोलता था प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन कि अगर किसी मीडियम में दो या दो से ज्यादा वेव चली है तो किसी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा वेक्टर सम के बराबर होगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे प्रेशर के टर्म लेंगे, जो भी चीजें वाई होती तो वहाँ पे पी बन जाएगी, वहाँ पे जो ए होता तो वहाँ पे पी पी नॉट बन जाएगा, एज सिंपल एज, तो पी कॉस्ट हो जाएगा पी वन प्लस पी टू हो जाएगा
अब क्या है कि इन दोनों वेव का जब जोड़ोगे तो वो भी क्या होगी, आपकी ट्रेवलिंग वेव होगी दैट मीन्स, और वो भी एस एच एम में होगी, दैट मीन्स कि आपका यही कुछ फॉर्मेट बनाएंगे पी कोस टू पी नॉट साइन ओमेगा इन टू टी माइनस केस प्लस फाइव। लेकिन फर्क है, पहले इसके पास पी नॉट वन एम्पलीट्यूड था, पी नॉट टू था, लेकिन जब दोनों का ऐड कर दिया मैंने तो मेरे को अब एक सिंगल एम्पलीट्यूड मिला, पी नॉट मिला, जिसकी जो वैल्यू होगी रूट पी वन प्लस पी टू स्क्वायर प्लस में टू पी वन पी टू कॉस फाइव। वहां मैंने सिखाया था ए कोस टू रूट ए वन प्लस ए टू उसका ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव आ रहा था। और फाइव कैसे निकालना वो तुमको सिखा रखा, टेन फाइव कोस टू ए टू साइन फाइव अपन में वन प्लस ए टू कॉस फाइव होता था, ऐसे ही कुछ होता था। तो वहां से ये चीज़ निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें बेसिकली यहाँ पर ध्यान रखना पी नॉट क्या होगा, तो पी नॉट होगा रूट पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर प्लस टू पी वन पी टू कॉस फाइव। वहाँ पर इंटेंसिटी किस क्या होता था, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी किसकी बराबर स्क्वायर हो जाएगी, पी नॉट पे से एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगी। बात समझ में आई। तो अगर मैं देखूं कि इस P1 वन की कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी I1 है, P2 टू कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी I2 है, और P की कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्टेंट इंटेंसिटी I है, तो अब देख दो इसको कैसे निकलने वाले हैं। हाँ, तो जहां पे स्क्वायर होगा, जहां पे अपने स्क्वायर होगा तो वहां पे क्या ले सकते हैं अपन, जहां पे प्रेशर का स्क्वायर होगा वहां पे क्या लगेंगे, इंटेंसिटी लगेंगे। यही बोला ना अपने को, एक जगह एम्पलीट्यूड की जगह क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। और सारी क्या ये एम्पलीट्यूड ही तो है, ऐसा कुछ नहीं, प्रेशर नहीं, प्रेशर एम्पलीट्यूड है, दैट मीन्स ठीक है ना, प्रेशर एम्पलीट्यूड है। तो डील करो, चलो डील करते हैं। तो ये क्या है, पी नॉट है, पी नॉट की स्क्वायर कैसे बनेगा, इस वाले टर्म का स्क्वायर कर रूट कर दो, स्क्वायर कर दो, तो ये स्क्वायर बन जाएगा पी नॉट का स्क्वायर। तो तुम देख रहे हो कि जहां पे पी नॉट स्क्वायर वहां पे इंटेंसिटी का एक ही पावर इंटेंसिटी होगा, तो पी नॉट का स्क्वायर इंटेंसिटी आई हो गया, पी वन की स्क्वायर की जगह आई वन हो जाएगा, पी टू की स्क्वायर की जगह आई टू हो जाएगा, प्लस में टू पी वन पी टू की जगह टू रूट आई वन आई टू हो जाएगा, है ना, क्योंकि यह पी वन का स्क्वायर नहीं है। जैसे मान लो इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी डायरेक्ट प्रपोर्शनल पी नॉट के स्क्वायर। लेकिन तुमसे मैं बोलूँ कि पी नॉट क्या होगा, तो तुम लोग बोलेगा कि रूट स्क्वायर रूट ले तो रूट आई हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए रूट बनाएगा टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये फाइव क्या है, ये इनके फाइव वन फाइव टू से अलग है, और तुम तो पी नॉट तुमको पता है यहाँ से निकाल सकते हो, फाइव तुमको ऑलरेडी पता है कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये चीज़ें बात हो गई, ये चीज़ें तुमने ऑलरेडी सब कुछ चीज़ें पढ़ रखी, उसमें कुछ नई वाली बात नहीं है। जो भी नई बात होगी अभी मैं तुमको सिखाऊंगा, हालांकि नई कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंट हल्का सा मिलेगा, और सारी चीज़ें लगभग सेम है। इसके बाद ये जब टर्म आ गया था, तो मैंने तुमको सिखाया था यहाँ पे क्या सिखाया था, आई कुछ टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई कुछ टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। तो मैंने ये सिखाया था बच्चों कि कॉस फाइव एक बार मैक्सिमम ले लें, कॉस फाइव वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम मतलब क्या हो जाए, प्लस माइनस वन हो जाए, ठीक है, और कॉस फाइव वैल्यू क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, मतलब आपकी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। ये मैंने तुमको सिखाया था, तो अभी उसको देखेंगे और अलग अलग केस देखेंगे, तो वहाँ से कुछ डेल्टा एक्स आएगा और वहाँ पे अपन उसको कैलकुलेट करेंगे। तो क्यों ना मैं तुमको पहले लिख देता हूँ, और क्योंकि सारी चीज़ें सेम है ना, तो फिर से क्यों बिल्कुल आराम से पढ़ाऊँ, मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर उसके बाद क्या करूँगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। हाँ, तो यहाँ तक तुमको मैंने सिखाया था कि मैंने दिखा दिया आई कोस टू आई वन प्लस आई टू प्लस में टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। कॉस फाइव जब अपना मैक्स वैल्यू मैक्सिमम तक कब देगा, जब कॉस फाइव की वैल्यू क्या हो जाए, प्लस वन हो जाए। उस केस में क्या होता है, मेरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। तो यानी कि कॉस फाइव की वैल्यू वन, मतलब कि यहाँ से फाइव की वैल्यू मतलब क्या हो गया, टू एन पाई, है ना, टू एन पाई होगा, क्योंकि फाइव की वैल्यू वन कब होगी, जब फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगा, टू पाई हो जाए, फोर पाई हो जाए, सिक्स पाई हो जाएगा। मतलब क्या है आपका, 2 पाई का मल्टीपल है, ये क्या है, 2 पाई का मल्टीपल है। तो 2 पाई का मल्टीपल लिख देंगे क्या, 2n पाई, n इक्वल 1 पुट करो 2 पाई, n इक्वल 2 पुट करो 4 पाई, n इक्वल 3 पुट करो 6 पाई, तो आ जा रहा है। तो 5 का वैल्यू क्या होगा, 2n पाई। ऑलरेडी ये चीज़ें मैंने डिस्कस की, एक बार फिर से ओपन करके देखना, या देखो साथ साथ पिछला चीज़ें ओपन करके देखना, बिल्कुल चीज़ें सेम है। आप बार बार कन्फ्यूज होगा, लग रहा है कि आप फिर से वही पढ़ रहे होगा, ऐसा लग रहा होगा, फिर जाकर एक बार देखा करो, ठीक है, बिल्कुल सेम है, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल समझो वही पढ़ा रहा हूँ। तो डेल्टा फाइव क्वेश्चन मेरे पास, ए तो मैंने ये लिख दिया, ए पॉइंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ए वाला ही होगा, कॉस फाइव कुल वन होगा, तो फाइव कुल टू एन फाइव होगा। बी लिखोगे, हमें पता है डेल्टा फाइव कुछ टू पाई अपन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स है, और डेल्टा फाइव कितना, फाइव क्या है, फेज डिफरेंस ही बेसिकली है ना, ये टू एन पाई है, टू एन पाई की वैल्यू होगा टू पाई अपन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, टू पाई से टू पाई कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा एन, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एन इंटू लैम्डा जाएगा, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होने वाली, एन इंटू लैम्डा। डेल्टा एक्स को बोलते हैं बच्चों पाथ डिफरेंस भी बोलते हैं, डेल्टा एक्स को क्या भी बोलते हैं, डेल्टा एक्स को हम लोग बोलते हैं पाथ डिफरेंस भी बोलते हैं, है ना, ओके okay? मतलब दो एक पार्टिकल ही एक पार्टिकल ही है, ठीक है ना, इसकी पोजीशन यहाँ से x1 है, इसकी पोजीशन क्या x2 है, तो ये जो डिस्टेंस होगा x2 टू माइनस एक्स वन होगा, कोई डेल्टा x होगा, ठीक है ना, ये बात हो गई। तो डेल्टा x इक्वल टू क्या होगा, n इंटू लैम्डा का, n को ले जीरो पुट का तो जीरो हो जाएगा, n को ले वन पुट का तो लैम्डा होगा, n को ले टू पुट का टू लैम्डा होगा, n को ले थ्री पुट का थ्री लैम्डा होगा। तो बेसिकली क्या है, ये जो है जीरो लैम्डा टू लैम्डा थ्री लैम्डा क्या मल्टीपल ऑफ लैम्डा है, मल्टीपल ऑफ लैम्डा का मतलब क्या होगा, लैम्डा टू लैम्डा थ्री लैम्डा फोर लैम्डा फाइव लैम्डा। तो याद रखना, फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि कंस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, अगर आपको चाहिए
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो आपको क्या होना चाहिए बच्चों, अगर मैं पाथ डिफरेंस बोलूं तो लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा इसका मल्टीपल होना चाहिए। फिर से रिपीट करूं, अभी मैं क्वेश्चन दे बताऊंगा तो वहां पर फिर उतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो यानी कि फिर से बता दूं कि जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए या मैक्सिमम इंटेंसिटी बोलेंगे या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बोलेंगे, ये सारी चीजें हो रखी है। क्योंकि अगर फाइव कॉल ये कॉस फाइव मैक्सिमम लेगा तो आई कॉल अपने आप मैक्सिमम मिलेगी, तो आई मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी रूट आई वन प्लस में रूट आई टू का होल स्क्वायर, है ना। कॉस फाइव को पुट करो तो ये आई मैक्स बनेगा और आई मैक्स को रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी मैं तुमको बता चुका हूँ। तो आई मैक्स की वैल्यू क्या रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर, या पी नॉट मैक्स चाहते हो प्रेशर के टर्म में चाहते हो तो पी वन प्लस पी टू बन जाएगा। वहां पर इसके पहले मैंने सिखाया था एक्वल टू ए वन प्लस ए टू, प्रेशर की जगह समझ लो कि एम्पलीट्यूड है एक्वल टू ए वन प्लस ए टू, आई मैक्स की जगह वहां पर तो खाली इंटेंसिटी था तो आई मैक्स की वैल्यू हो जाएगा रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या हुआ कि जहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी हो या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो तो वो कब मिलेगा, जब पाथ डिफरेंस क्या होगा आपका मल्टीपल लैम्डा होगा, ये याद रखना ठीक है, या कैसे निकालते ये भी याद होना चाहिए। अब आ जाते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, ये भी जरूरी है। कंस्ट्रक्टिव तो हमने देख लिया कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। तो हेडिंग लगा लो दूसरा करके फॉर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ओके। तो cos phi को a लिखो इसी में, cos phi को लिए क्या होना चाहिए मिनिमम लेना पड़ेगा, cos phi को लिए मिनिमम क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा ठीक है। तो phi को लिए क्या हो जाएगा cos की phi को लिए ध्यान के phi को लिए क्या होगा, phi को लिए या तो आपका pi होगा 3 pi होगा 5 pi होगा, ये क्या होगा ऑड मल्टीपल ऑफ व्हाट, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा, ये ऑलरेडी से ही बता चुका मैंने। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई को मैं जनरलाइज करके लिख सकता हूँ 2n प्लस 1 इंटू में पाई। बी पॉइंट लिखूँ तो डेल्टा डेल्टा, अगर मैं चाहता हूँ कि डेल्टा फाई क्या होता है बच्चों में 2 पाई अपॉन में लेमडा इंटू में क्या होता है डेल्टा एक्स। तो अगर मैं ऐसे उल्टा लिखूँ 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू में क्या डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या डेल्टा फाई के बारे में क्या करूँ यहाँ से पुट कर दूँ तो 2n प्लस में 1 इंटू में क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। तो पाई से तो ये पाई कट जाएगा, पाई से पाई तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा आपका, और यहाँ से मिलेगा वॉट आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू मिलने लगेगी आपको 2n प्लस में 1 इंटू में वॉट लेमडा बाई 2 मिलेगा, ये मिलेगा। अब n की वैल्यू तुम यहाँ पे जीरो पुट करो तो तुमको मिलेगा क्या लेमडा बाई 2 मिलेगा, n की वैल्यू 1 पुट करो तो क्या मिलेगा आपको 3 लेमडा बाई 2 मिलेगा, n की वैल्यू आप क्या पुट करो 2 पुट करो तो यहाँ मिलेगा 5 लेमडा बाई 2। तो ये क्या है लेमडा बाई 2 का ऑड मल्टीपल है, क्योंकि यहाँ पे लेमडा बाई 2 का कोएफिशिएंट 1 यहाँ पे क्या 3 है यहाँ पे 5 है, ऐसे मिलकर 7 लेमडा बाई 2 मिलेगा 9 लेमडा बाई 2 मिलेगा। तो लिख लो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि ऑड मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, हालांकि यही चीज पिछले बार भी आया था ना यही सारी कहानी लगभग हाँ। तो ये तो हो गया, यही मेरे को जानना है डेल्टा एक्स। तो अगर मैं तुमसे पूछूं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बच्चों, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तुमसे ये पूछूं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये पूछूं कि पाथ डिफरेंस क्या होगा किसी भी दो पॉइंट का, तो आप बोलोगे कि मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 होगा, ऐसे याद रखो तो ईजी बहुत, लेमडा बाई 2 को मिलता है लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, 7 लेमडा बाई 2, 9 लेमडा बाई 2। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेगा कब मिलेगा, या मैं बोलूँ मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी, या मैं बोलूँ मैक्सिमम प्रेशर कब मिलेगा ठीक ना, मैक्सिमम प्रेशर है ना पी वन प्लस पी टू, अक्सर मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या अक्सर मैक्सिमम इंटेंसिटी करके आता है। अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी बोलेगा तो क्या समझोगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मिनिमम इंटेंसिटी बोलेगा तो क्या समझोगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी जब पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स क्या होगा मल्टीपल ऑफ लैम्डा, यानी कि लैम्डा होगा 2 लैम्डा होगा 3 लैम्डा होगा 5 लैम्डा होगा 7 लैम्डा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलेगा जब डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा, लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2। सी लिख लो कि मिनिमम आई यहाँ पे क्या होगी जो पहले था वही होगा रूट आई वन माइनस, मैं जो पहले आप पढ़ा चुका था इसके वे वन स्ट्रीम पे वही होगा रूट आई वन में से रूट आई टू का होल स्क्वायर। डी क्या होगा मिनिमम प्रेशर क्या है, पी नॉट क्या है जो रिजल्टेंट आपका सुपरपोजिशन से मिला है उसका एम्पलीट्यूड है, उसका एम्पलीट्यूड मिनिमम कितना होगा आपका वो हो जाएगा आपका पी वन माइनस में हो जाएगा पी टू। इसके पहले क्या जैसे कि ए पहले क्या हो रहा था ए कॉस्ट हो रहा था ए वन माइनस ए टू, उसी के हिसाब से हमने क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया ओके। तो पी नॉट मिनिमम क्या होगा आपका ए कॉस्ट ए वन माइनस ए टू होगा ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करते हैं अपन क्वेश्चन देखेंगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था, इसमें आपको यह याद रखना है कि कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जब डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको मल्टीपल ऑफ लैम्डा मिलेगी, लैम्डा बाई टू का और मल्टीपल क्या होगा आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा आपको। हाँ तो बच्चों ब्लैक बोर्ड पे एक क्वेश्चन है, चलो उसे सॉल्व करो तुम लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में तुम लोग को समझाया था पहले, बोला है कि दो सोर्स है, एक सोर्स क्या है बच्चों एस वन है और एक क्या है एस टू है, इसका क्या है पावर दे रखा है पी वन
पी वन का मतलब पी पावर हो गया वन, क्या मतलब सोर्स वन की बात हो गई, इसका पावर है 16 पाई वाट होगा और इसका क्या है एस टू का जो पावर है वो क्या होगा आपका 16 पाई पी टू को 16 पाई। तो ये मैंने अभी दो सोर्स के बारे में बात किया और अभी कुछ मैंने बात नहीं किया। अब मैंने क्या कि पॉइंट वहाँ पे ए ले लिया बच्चों, इस पॉइंट ए की जो डिस्टेंस है एस वन से 2 मीटर है और एस टू से कितनी आपकी 1 मीटर है, एस वन से कितनी 2 मीटर है, एस टू से कितनी 1 मीटर है, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। तो मेरे पास दो सोर्स था, एक जिसकी पावर दे रखा था 16 पाई और एस टू दूसरे वाले का भी कितना पावर है 16 पाई है, पर दोनों ए की जो डिस्टेंस है एस वन से 2 मीटर है पर एक डिस्टेंस एस टू से क्या 1 मीटर है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब देखो सवाल क्या होने वाला है, तुमको पता है दो सोर्स है, अगर ये वेव क्रिएट करेगी यहां पे जाएगी, एक वेव ये क्रिएट करेगा यहां पे जाएगा, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब क्या होगा इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेरेंस कब होता है जब आपकी दो वेव की बात होती है, विदाउट दो वेव की बात किए बिना आपकी इंटरफेरेंस नहीं होने वाली है, ठीक है ना। उसने क्या बोला है, बोला कि टू सोर्स एस वन एंड एस टू आर इन फेज, इसको अंडरलाइन करो अभी इसका मतलब मीनिंग मैं निकालने वाला हूं, इन फेज है ना। बोला फाइंड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए ड्यू टू इंटरफेरेंस, बोलना है कि इस पॉइंट ए पे इंटेंसिटी कितनी होगी, इस पॉइंट ए पे कितनी इंटेंसिटी होगी दोनों सोर्स की वजह से, है ना। इफ लेमडा इक्वल टू 0.5 मीटर, उसने वेवलेंथ की वैल्यू दे रखा है, लेमडा की वैल्यू कितनी है, वेवलेंथ की वैल्यू कितनी 0.5 मीटर है, ओके। लेमडा की वैल्यू कितनी आपकी 0.5 मीटर है, तब आपको बताने कितनी होगी, ये आपका क्वेश्चन है। हाँ तो बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया था, तुमको पता है मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर ये एक S1 सोर्स है, एक S2 सोर्स है और एक पॉइंट P है, यहाँ से वेव आई यहाँ से वेव आई, तो इसकी इंटेंसिटी मान लो I1 है, इसकी इंटेंसिटी क्या I2 है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इसके वजह से मिलती थी इंटरफेरेंस की वजह से, वो मेरे को मिलता था I cos I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi। ये फाइव क्या होता था, इसके फाइव और फाइव टू से अलग इसका फेज डिफरेंस होता था, वो अपने अलग तरीके से निकालते थे, ठीक है ना। वो निकालते थे फाइव को वैल्यू डेल्टा फाइव कुछ 2 पाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स प्लस में फाइव माइनस साइड फाइव टू, ऐसे निकालते थे, है ना। अब ध्यान से सुनना, तो तुमको एक चीज तो क्लियर होगा कि अगर इंटेंसिटी इस पॉइंट ए पे पूछ रहा है तो कैसे सॉल्व करना है, मेरे पास फॉर्मूला आ चुका है कि आई कॉस टू एन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव निकालोगे, आई वन का इसका इंटेंसिटी, एस वन का आई टू का इसका इंटेंसिटी है, ठीक है ना। उसके बाद अपन फॉर्मूला निकालेंगे और सारा काम हो जाएगा। तुमको ना तो आई वन पता है, ना तुमको आई टू पता है, ना तो तुमको पता है कि फाइव क्या होने वाला है, ठीक है ना। अब देखो कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि ये क्या है मेरा पॉइंट सोर्स है और पॉइंट सोर्स की जो इंटेंसिटी मैंने लिखवाया था पावर अपॉन में क्या होता था 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता था आर, वो मान लो कि ये इंटेंसिटी एस वन है, तो ऐसे ए पॉइंट ए पे ऐसे कुछ वेव फ्रंट आएगा, तो ये जो रेडियस आर आर वन होगा इसके लिए 2 मीटर हो जाएगा, इसके लिए बोलोगे निकालोगे, तो यहां पहले इसको समझा देता हूं। तो S1 सोर्स के लिए मेरे को इंटेंसिटी निकाला था, इंटेंसिटी होता है पावर अपन में एरिया, यहां पे स्फेरिकल सोर्स है तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, तो आई वन इक्वल हो जाएगा पी वन अपन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। I1 की वैल्यू P1 को लिए कितना है 16 पाई, 4 पाई यहां पे आर क्या होगा, ये डिस्टेंस हो गया क्योंकि स्फेरिकल वेव फ्रंट ऐसे कुछ बनेगी 2 मीटर पे, तो 4 पाई नीचे में हो गया 4 आर के स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर 4 बन जाएगा, यहां से 16 पाई नीचे में भी 16 पाई 1 वाट पर मीटर स्क्वायर हो गया, इंटेंसिटी पहले की निकल गए, तो इसके पास कितनी इंटेंसिटी होने वाली S1 के पास, वो होगी 61 वाट पर मीटर स्क्वायर हो गया। अब आज बात करते हैं S2 वाले सोर्स की इंटेंसिटी क्या होगी, पावर अपने को पता है तो इंटेंसिटी अपन निकाल सकते हैं, I2 का P2 पने 4 पाई आर स्क्वायर, आर क्या बनेगा, ये इस पॉइंट A का जो रेडियस है ऐसे तुम घुमा के बनाओगे ऐसे स्फेरिकल फ्रंट, तो ये जो R R2 यहां बनेगा 1 मीटर बनेगा, तो P2 हो गया 16 पाई 4 पाई R की जगह यहां पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा सॉल्व करने पे। तो इंटेंसिटी पहले क्या आगे 1 वाट पर मीटर स्क्वायर, दूसरे क्या आगे 4 वाट पर मीटर स्क्वायर। इस फॉर्मूले में देखो इंटेंसिटी पता है, I1 I2 पता चल गया, हमें phi नहीं पता है, नेट रिजल्टेंट आपका फाइव क्या होगा मैं ये नहीं पता, पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस वो निकालेंगे अपन बच्चों इस फॉर्मूले से, डेल्टा फाइव को टू पाई अपन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स प्लस में हो जाएगा फाइव वन माइनस फाइव टू, नेट उनका फेज डिफरेंस क्या होगा अपन ऐसे निकालेंगे। ये मेरा मेन फॉर्मूला होता था, मैंने बताया था कि जब फाइव वन माइनस फाइव टू जब इक्वल होगा तब डेल्टा फाइव को टू पाई अपन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स होगा, वो आपको डायरेक्ट नहीं देगा कि फाइव वन फाइव टू क्या आपका इनिशियल फेज दोनों का सेम है, वो बोलेगा ऐसे कुछ इन फेज, अगर तुमको बोलता है कि इन फेज है सेम फेज में है, इसका मतलब ये मान लेना कि तुम फाइव वन इक्वल क्या हो जाएगा फाइव नम फाइव टू, दोनों का इनिशियल फेज क्या है सेम हो जाएगा। तो अगर ये इन फेज में है तो दैट मीन्स ये वाला टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा फाइव को लो क्या हो जाएगा टू पाई अपन में लैम्डा टू डेल्टा एक्स, यहाँ पे देखना यहाँ पे कॉस फाइव लिखा हूँ यही फाइव डेल्टा फाइव, यहाँ पर अपन डेल्टा फाइव से याद रखते हैं, ये भी फेज डिफरेंस है ठीक है ना, अंदर जो अपन लिखा है कॉस की जगह। तो
तो डेल्टा फाइव कुछ हो गया 2 पाई लैम्डा टू डेल्टा, डेल्टा फाइव हो गया 2 पाई लैम्डा कोली हो गया 0.5 हो गया, डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस क्या होगा, ये मेन सवाल है कैसे निकालेंगे। पाथ डिफरेंस कैसे तुमको सिखाया था, मैंने बोला था पाथ डिफरेंस क्या सिखाया था, डेल्टा एस कुछ कैसे सिखाया था x2 - x1, बस ये जान लो कि x2 - x1 क्या है तो सारा काम हो जाएगा। x1 क्या है, ये होता था, मैंने बोलता था कि ये सोर्स s1 है और ये इंटेंसिटी है, ये मेरा पॉइंट p है, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस चला x1 चला, और s2 क्या है, पॉइंट p से कितनी डिस्टेंस चली x2 चला है। तो यही तो है, मतलब जिस पॉइंट पे तुम स्टडी करना चाह रहे हो उस पॉइंट का किसी सोर्स से जो डिस्टेंस है वही x1 x2 बनेगा। इस पॉइंट पे स्टडी कर रहे हो तो s1 के लिए क्या हो जाएगा, s1 के लिए मान लो x1 हो गया और ये क्या बन जाएगा आपके x2 हो जाएगा, तो डेल्टा पार्ट डिफरेंस क्या होगा x2 - x1 या x1 - x2, दैट मींस 2 - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू ऐसे लिख लो तुम, क्या हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा, है ना, यानी कि 1 हो जाएगा। तो डेल्टा फाइव को 2 पाई अपन लैम्डा टू डेल्टा एक्स, लैम्डा को 0.5 है, डेल्टा एक्स को क्या हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा, तो यहाँ से डेल्टा फाइव को क्या हो जाएगा 4 पाई हो गया। मेरे को I1 पता हो गया, I2 पता हो गया, 5 का मतलब क्या हुआ डेल्टा 5 भी पता हो गया, I1 को 4 1, I2 को 4 प्लस में 2√I1 I2, यानी कि 1 × 4 cos और 5 की जगह हो जाएगा डेल्टा 5, यानी कि 4 पाई, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लेना आपका आंसर आ जाएगा। cos 4 5 की वैल्यू कितना होगा 1 होगा, यानी कि 4 × 1 = 5 प्लस में 2 मैं निकाल ही देता हूँ, 4 × 1 = 5 हो जाएगा प्लस में, और रूट 4 का मतलब क्या होगा 2 हो गया, 2 × 2 हो गया 4, यानी कि 9 आंसर आएगा आपका, 9 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये बात हो गई आपकी, इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, ओके। तो इस क्वेश्चन को बच्चों नोट कर लो, बोला है कि दो सोर्स से बच्चों S1 S2 इनके बीच की जो डिस्टेंस है 3 लैम्डा है, लैम्डा के टर्म में बोला टू सोर्स आर इन फेज एंड कोहेरेंट, इन फेज मतलब क्या हुआ 5-1 और 5-2 क्या हो जाएगा सेम आ जाएगा, कोहेरेंट मतलब क्या इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट वेयर मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर्म। आपको एक टर्म आएगा बार बार मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा, ठीक है ना, मैक्सिमा और मिनिमा कितने ऐसे पॉइंट होंगे जहां पे मैक्सिमा बनेगा, कितने ऐसे पॉइंट होंगे जहां मिनिमा बनेगा, ठीक है ना। मैक्सिमा का मतलब वो हो गया जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, है ना। इंटरफेरेंस में क्या होता है, देखो अगर मान लो कि एक सोर्स S1 है एक सोर्स S2 है, तो इसकी इंटेंसिटी I1 इसकी इंटेंसिटी I2 है, तो अब अगर ये अलग अलग सिंगल सिंगल है तो इनकी इंटेंसिटी I1 I2 फिक्स है, लेकिन इनको जब तुम यहाँ पे क्या कर दोगे मर्ज कर दोगे किसी पॉइंट पे दोनों वेव मिल जाएंगे, तो ये जो इंटेंसिटी ऐसा नहीं कि I1 I2 हो जाएगा, ये इंटेंसिटी यहाँ पे I मिलेगी और वो इंटेंसिटी I = I1 + I2 + 2√I1 I2 cos φ मिलेगा, मतलब ये इंटेंसिटी जो रिजल्टेड मिलेगी वो cos φ डिपेंड करेगी, cos φ तुमको पता है कि मैक्सिमम बनेगा मिनिमम बनेगा, है ना। तो यानी कि अब जो रिजल्टेंट दो सोर्स या दो वेव्स की वजह से जो इंटेंसिटी मिली है अलग अलग था, तो इंटेंसिटी इसका I1 था इसका I2 था, लेकिन जब मिलने के बाद उनकी इंटेंसिटी क्या होगी चेंज होगी बार बार, कभी मैक्सिमम अचीव करेगी कभी मिनिमा करेगी। और मैं तुमको बताया किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगी, जब उनका पाथ डिफरेंस क्या हो लैम्डा का मल्टीपल हो, दैट मींस लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा हो। मिनिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी आपको, तब मिलेगी जब लैम्डा / 2 का ऑड मल्टीपल हो, यानी कि लैम्डा / 2 3 लैम्डा / 2 5 लैम्डा / 2, दैट मींस ये बता रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे जहां पे अगर मैं बोलूं कि बहुत मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी मिनिमम मिलेगी मैक्सिमम मिलेगी, यानी कि इंटेंसिटी का वेरिएशन होने लगेगा विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस, यानी कि पोजीशन के साथ इंटेंसिटी वेरी करेगी। ये तब होगा जब दो वेव एक साथ मिल जाए, है ना। लेकिन अगर वो सिंगल सिंगल है तो उनकी इंटेंसिटी बिल्कुल फिक्स है, अगर ये आपकी नहीं मिलती है तो इसका S1 रहेगा I1 रहेगा इसका I2 रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए पूछा है, आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई कि नंबर ऑफ पॉइंट वेयर मैक्सिमम एंड मिनिमम फॉर्म, नंबर ऑफ पॉइंट वेयर मैक्सिमम फॉर्म, तो इसका मतलब क्या हुआ हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालनी है, कहाँ कहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी बनेगी, मिनिमम का मतलब क्या हुआ कहाँ कहाँ पर मिनिमम इंटेंसिटी बनेगी हमें ये देखना है। अब क्या करो, ये वाला क्वेश्चन तुम नोट कर लो, अब मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ इस वाले चीज को। तो ये क्या है S1 है और ये क्या S2 है ना, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बच्चों 3 लैम्डा। इसके जस्ट नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लो, है ना। अगर मैं बोलूं कि इस वाले पॉइंट पे जस्ट इसका मिड पॉइंट है जस्ट उसके नीचे इस वाले पॉइंट पे पाथ डिफरेंस क्या होगा डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या होता है बच्चों X1 - X2। मैं बता दूं कि मान लो कि इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो इस सोर्स से ये डिस्टेंस देखो, इस सोर्स से क्या करो ये डिस्टेंस देखो, ठीक है। तो ये मान लो X1 बनेगा, ये मान लो X2 बनेगा, तो अगर बाय द ज्योमेट्री देखोगे तो ये आपकी क्या होगा मिड पॉइंट है, ये सेम है ये सेम है, तो ये X1 X2 क्या हो जाएगा दोनों क्या हो जाएगा, अगर ये X1 है तो ये भी X2 वैल्यू क्या हो जाएगी X1 हो जाएगी, दोनों क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स क्या मिल जाएगा यहाँ पे 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो मिलेगा पाथ डिफरेंस वो क्या मिल जाएगा आपका 0 मिलेगा, मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, अभी रहने देता हूँ।
अब ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे अगर लूंगा तो यहां से कुछ डिस्टेंस बनेगी। कैसे? अगर इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट डिफरेंस, तो यहां से हम लोग कुछ मिलेगा और अपन क्या करेंगे, यहां से मिलेगा। तो मान लो ये x1 हो गया, x2 हो गया, इनका डिफरेंस मेरे को पॉइंट डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, ऐसे हमें क्या मिलेगी, पाथ डिफरेंस तुम्हें निकालना आ गया। किसी भी पॉइंट पे पॉइंट डिफरेंस कर पूछ रहा है, तो आप क्या करो, उस सोर्स की उस पॉइंट से डिस्टेंस क्या है वो x1 बन जाएगी। दोनों का डिफरेंस लो, आपको पॉइंट डिफरेंस मिल जाएगा। आप ऐसे करते करते मान लो कि एक पॉइंट आप लिए बहुत दूर, दैट में इनफाइनाइट पे ले लिया। क्या कर लिया मैंने, मान लिया इनफाइनाइट है। तो ये जो लाइन है, अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ये ऐसे करोगे ड्रॉ, ये ऐसे करोगे, जितना दूर लोगे तो ये लाइन बिल्कुल एक ऐसे हो जाएगी। देख लो जितना दूर से पहले, अगर मान लो कि ये लाइन, इसी लाइन को देखो, ऐसे है, ऐसे है, अभी ऐसे है, ऐसे, जितना दूर लेते जाओगे ये क्या सीधी होती चली जाएगी। अभी ऐसे 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 खूब दूर लेके जाओगे तो सीधी हो जाएगी। बात समझ आ रही है? ठीक है, और वो भी क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। तो हमें कहने मतलब ये है कि अगर हम देखें तो इस वाले पॉइंट पे क्या मिलेगा, इनफाइनाइट वाले पॉइंट पे ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगे, सीधी हो जाएंगे। ठीक है, दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, सीधी हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा इस वाले पॉइंट पे, दोनों लाइनें सीधी हो जाएंगी, मतलब क्या, मान लो बिल्कुल सीधी हो गई दोनों लाइन। तो अगर यानी कि ये मतलब हुआ कि ये जो है, अगर मान लो कि आपकी x2 बना रहा है और ये कितना बनाएगा, x2 बना रहा है और ये कितना बनाएगा आपका, x1 बना रहा है, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ, 3λ का हुआ। ये हुआ ना मतलब, तो इनफाइनाइट पे क्या होगा, इनका जो पार्ट डिफरेंस है 3λ का होने वाला है। कितना होगा यहाँ पे, 3λ होगा। यहाँ पे कितना होगा, चलो तो उस साइड हम +3λ ले लेते हैं और इस साइड पे इनफाइनाइट पे क्या होगा मेरा, 3λ होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, 3λ होगा। तो इनफाइनाइट पे मैंने किया है, ये तुमको पास में दिख रहा है, पर बेसिकली क्या है, ये इनफाइनाइट पे। इतनी बात के लिए, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस क्या है, 0 है। अब तुम हमें ये बता दो कि लेमडा का मल्टीपल तुम लेना चालू करो। तो इनफाइनाइट पे फाइनल 3λ है, यहाँ पे कहीं बीच में क्या होगा आपका, लेमडा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 2λ होगा। ये प्लस में ले लो, +λ +2λ। उसी तरह क्या होगा, -λ होगा या -2λ होगा। अच्छा, अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आए तो मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। देखो ये चीज इनफाइनाइट नहीं समझ में आया तो क्या करो कि इसी पे एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है ना, ड्रॉ कर लिया। अगर मैं बोलूं कि ये S1 सोर्स है और ये क्या आपका S2 सोर्स है, अगर मिड वे पॉइंट लेता हूं तो तुम बोलोगे सर यहां से X1 होगा और ये क्या होगा, X2 होगा, है ना। दोनों तो मिड पॉइंट, दोनों X1 X2 क्या है, सेम है, तो इनका पार्ट डिफरेंस का 0 हो जाएगा। तो यानी कि मिड वाले पॉइंट पे क्या हो गया, पार्ट डिफरेंस 0 हो गया। लेकिन मैं बोलूं कि यहां पे तुम ले लो पॉइंट जो बहुत दूर है, तो तुम बोलोगे सर ऐसा है कि ये तो पॉइंट मैंने मान लिया कि S2 से उस वाले पॉइंट डिस्टेंस X2 हो गया और यहां से S1 से कितना हो जाएगा, X1 हो जाएगा। तो अब ये डिस्टेंस क्या, यही तो पार्ट डिफरेंस हो गया, X1 माइनस X2 या X2 माइनस X1, तो ये हो जाएगा 3λ। ठीक है ना, यही तो मैंने बहुत दूर पे किया 3λ। ये तभी सीधी होगी जब 3λ बहुत दूर पे होगा। उसी तरह इस साइड का जो है -3λ होगा। तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हट के दिखा दिया। ठीक है, आई होप ये बातें क्लियर हो गई। बहुत सिंपल यार, कुछ नहीं है। आप क्या करो, ये S1 ये S2 ये ना अपना 3λ है। एक लाइन ड्रॉ करो जो डिस्टेंस इनके बीच का 3λ, यहाँ पे 3λ लिखो, यहाँ पे लिखो -3λ। बात खत्म, नहीं समझ में आ रहा तो एक लिख दो। यानी कि जो इनके बीच का जो गैप है S1 S2 का, जो भी डिफरेंस पार्ट, इन दोनों सोर्स के बीच की जो भी डिस्टेंस 3λ, एक लाइन ड्रॉ करो, ऐसे याद रख लो, एक लिख लो +3λ, एक -3λ। इतनी बात होगी, ऐसे याद रख लो। बीच में क्या होगा आपका पार्ट डिफरेंस बिल्कुल 0 होगा। क्यों 0 होगा, आपको रीजन पता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर वहाँ पे 3λ है, तो अगर मैं लेमडा की टर्म में बात करूँ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑफकोर्स +λ होगा और यहाँ पे क्या होगा, +2λ होगा। अभी लेमडा के टर्म में बात करने वाले हैं, यही होगा ना, λ, 2λ, 3λ, आगे तो जाने वाला नहीं है। उसी तरह से क्या होगा, -λ होगा, -2λ होगा। इतनी बात क्लियर होगी। अब हमें देखना है कि मैक्सिमा कितना हो जाएगा, हमें देखना है कि मैक्सिमा कितना मिलने वाला है। मैक्सिमा मतलब क्या, कि ऐसे पॉइंट जहां की पे इंटेंसिटी क्या मैक्सिमम हो। एक चीज याद रखना कि एट इनफाइनाइट मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी 0। मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी 0। क्यों 0 होगी, तुम जरा देख लो, इंटेंसिटी क्या होती है, पी अपान में क्या होता है, 4πr² होता है। ये आर बहुत दूर ले लिया, इनफाइनाइट ले लोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, इनफाइनाइट
इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, आपका इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो इस वाले पॉइंट पे तो हमें कुछ मैक्सिमम वगैरह कुछ मिलने वाला है ही नहीं, तो इस वाले पॉइंट को क्या करो, क्रॉस कर दो। ये तो तुमको इसलिए लिख दिया गया ताकि तुम समझ सको कि बीच में क्या क्या आने वाला है। तो यहाँ यहाँ पे तो आपको मैक्सिमम वगैरह कुछ मिलने वाला है ही नहीं। ऐसा मत सोचना कि लैम्डा का मल्टीपल है तो वहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा। अब आते मैक्सिमम कहाँ पर मिलेगा, तो मेरा कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि मैक्सिमम वहाँ मिलेगा जहाँ पे मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो, लैम्डा का हमें मल्टीपल मिले, वहां पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो ये 3 लैम्डा था, ये भी आपका लैम्डा का मल्टीपल था, तो वहां पे नहीं होगा, वहां पे ये यहां पे नहीं होगा, इंटेंसिटी कुछ भी नहीं मिलने वाली मैक्सिमा, क्योंकि यहां पे क्या है, इनफाइनाइट पे प्लस और ये क्या है माइनस इनफाइनाइट पे, इसलिए नहीं मिलेगी। अब आ जाओ देखते हैं क्या क्या मिलने वाला है, क्या अब हमें देखते हैं क्या हमें ये मिलने वाला है क्या कि यहां पे मेरे को मिलेगा मैक्सिमा। हाँ यहाँ मिलेगा मैक्सिमा, एक मिलेगा क्योंकि लैम्डा का मल्टीपल है, ये भी क्या 2 लैम्डा, ये भी लैम्डा का मल्टीपल है, दो हो गया, इधर भी होगा माइनस लैम्डा और इधर भी होगा माइनस 2 लैम्डा, यहाँ पे भी मिल गया, यानी कि मेरे को 4 मैक्सिमा मिल गया, लैम्डा का मल्टीपल हो गया। लेकिन मैंने लिखा था डेल्टा एक्स इक्वल टू एन इंटू लैम्डा और एन की वैल्यू मैंने बोला था कि जीरो भी ले सकते हो आप, है ना। तो एन की वैल्यू जब जीरो लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स की वैल्यू आपकी एक तो जीरो हो गई, जीरो भी होगा, ऐसा नहीं कि जीरो छोड़ दो, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, लैम्डा का मल्टीपल तो होगा ही, लेकिन साथ साथ जीरो वाला भी पॉइंट क्या होगा जहां पे डेल्टा पार डिफरेंस क्या है जीरो, वो भी क्या होगा मैक्सिमम देगा। तो कितने पॉइंट मिल गए, एक तो प्लस लैम्डा 2 लैम्डा 2 यहां से, माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा 2 यहां से, 4 और एक जीरो वाला यहां पे, तो 5 तो आपको मैक्सिमम मिल गए, 5 क्या मिल गए बच्चों, मैक्सिमम मिल गए। अब आ जाते हैं मिनिमा के लिए, तो मिनिमा के लिए कितने नंबर ऑफ पॉइंट होंगे बच्चों, मिनिमा के लिए कितने नंबर ऑफ पॉइंट होंगे, फिर से फंडा मैंने बार बार चिल्लाया था इसलिए वहां पे कि मिनिमा का मिनिमा इंटेंसिटी मतलब तो क्या, व्हाट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो डेल्टा एक्स एन के पार डिफरेंस क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 यानी कि लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, ये कॉन्सेप्ट है। चलो अब निकालते हैं क्या क्या मिलने वाला है। अच्छा जीरो और लैम्डा के बीच में क्या मिलेगा मेरे को, एक मिल सकता है क्या लैम्डा बाय 2, हाँ मिल सकता है, यानी प्लस लैम्डा बाय 2 यहां पे आ जाएगा, प्लस लैम्डा बाय 2 यहाँ पर आ जाएगा। अगर लैम्डा 2 लैम्डा के बीच में एक मिल सकता है क्या लैम्डा बाय 2, हाँ तो यहाँ के मिल जाएगा मेरे को 3 लैम्डा बाय 2 मिलेगा प्लस में, यहाँ पर मेरे को मिल सकता है क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5 लैम्डा बाय 2 मिल जाएगा, ठीक है, एक तो यहाँ मिल गया। अब आ जाओ जीरो माइनस लैम्डा के बीच में मिल सकता है क्या, यहाँ पे हाँ मिल जाएगा माइनस लैम्डा बाय 2, उसी तरह इधर क्या मिल जाएगा माइनस 3 लैम्डा बाय 2, उसी तरह इधर क्या मिल जाएगा माइनस 5 लैम्डा बाय 2। तो ये लैम्डा बाय 2 का मल्टीपल है, देखो कितने सारे लैम्डा बाय 2 का मल्टीपल है, एक तो मेरा पॉइंट ये हो जाएगा, एक मेरा पॉइंट 3 लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, दो हो गया, एक 5 लैम्डा बाय 2 हो गया, 3 हो गया, तो 3 तो इस साइड हो गया और उसी तरह इधर भी 3 साइड हो जाएगा, 3 हो जाएगा माइनस लैम्डा बाय 2 और एक माइनस 3 लैम्डा बाय 2 और एक माइनस 5 लैम्डा बाय 2, तो यहां पे 3 कितने हो गए 6 हो गए। तो ऐसे 5 पॉइंट हो गए जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, ऐसे 6 पॉइंट हो गए जहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी या आपका कितना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो ये बात होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो अब याद रखना कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, अगर तुमको ये पूछता है कि कोई दो सोर्स दे दे उनके बीच का डिस्टेंस दे दे, तो एक लाइन ड्रॉ करना और जो भी इनके बीच की डिस्टेंस होगी उसे कहना करना फटाफट क्या करना ड्रॉ कर देना। लाइक मैं अभी थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूँ और आपको बताना है क्या होगा। थोड़ा सा मैं बोलूँ कि ऐसे दो सोर्स हैं बच्चों S1 है और एक ही लाइन पे एक लॉन्ग है, ये दोनों सोर्स क्या है एक ही लाइन के लॉन्ग है बच्चों, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 5 लैम्डा है। अब आपको ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमम बनेगा, तो क्या करें एक लाइन फटाफट ड्रॉ करो, इन वाले पॉइंट पे क्या बनेगा 5 लैम्डा बनेगा प्लस का, इधर बनेगा माइनस 5 लैम्डा, बीच वाले पॉइंट पे क्या बनेगा जीरो बनेगा। अब कितने सारे यहाँ पे लैम्डा बनेगा 2 लैम्डा बनेगा 3 लैम्डा बनेगा 4 लैम्डा बनेगा, ऐसे करो इधर भी माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा बनेगा और ऐसे करके सॉल्व कर दो। तो ये बात होगी ऐसे हमें क्वेश्चन को करना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सर्कुलर फॉर्मेट में। हाँ बच्चों ये वाला क्वेश्चन लिखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बिल्कुल क्या है दो सोर्स है बच्चों, दो सोर्स के बीच की डिस्टेंस क्या 2 लैम्डा है, लेकिन अब क्या है बोला कि फिक्स कर देखे ऐसे सर्कुलर ट्रैक के फॉर्म में, मान लो बहुत सारे लोग यहाँ पे इसी सर्कुलर ट्रैक पे, अब बताएंगे इस सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे कितने सारे पॉइंट होंगे जहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा कितना मिनिमम बोलेगा। सेम क्वेश्चन का फॉर्मेट लिख लो कि एस टू सोर्स एस वन एस टू आर इन फेज एंड कोहेरेंट, देन फाइंड आउट द मैक्स नंबर ऑफ पॉइंट वेयर मैक्सिमम एंड मिनिमम कम या मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम कम, ये लिख लो फंडा। चलो देखते हैं क्या क्या है फंडा। ये बच्चों अगर तुमको चाहिए मैक्सिमा तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, डेल्टा एक्स शुड बी व्हाट मल्टीपल ऑफ लैम्डा। ये देखो मल्टीपल ऑफ लैम्डा का मतलब क्या हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स विल बी या तो 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, डेल्टा एक्स पार डिफरेंस ही होता है। पार डिफरेंस कैसे निकालते हैं, मान लो एक दो सोर्स एक एस वन एक एस टू है और इस वाले पॉइंट पी पे तो निकला पार डिफरेंस, तो ये इस सोर्स की इस पॉइंट पी से डिस्टेंस मान लो एक्स वन हो गया, इस सोर्स की पॉइंट पी से डिस्टेंस क्या एक्स टू हो गया, तो इनकी जो डिफरेंस है एक्स टू माइनस एक्स वन ले लो या एक्स वन माइनस एक्स टू ले लो, यही जो डिफरेंस की वैल्यू आएगी वही पाथ डिफरेंस, अपने आप में ये टर्म क्लियर कर रहा है। अब क्या करते हैं चलो देखना चालू करते हैं।
अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस वाले पॉइंट पे क्या होगा पाथ डिफरेंस, तुम लोग बोलोगे जीरो, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा, क्योंकि ये ओरिजिन है तो ये क्या करेगा मिड पॉइंट बन जाएगा। तो ये क्या होगा कि अगर यहाँ से देख लो ये क्या बनेगा आपका x1 बनेगा, ये क्या बनेगा आपका x2 बनेगा, दोनों क्या सेम है तो पाथ डिफरेंस क्या मिल जाएगा वहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो इस वाले पॉइंट पर मेरा क्या होगा पाथ डिफरेंस क्या मिल गया जीरो मिल गया, ठीक है इतनी बात क्लियर है। इस वाले पॉइंट पे भी क्या मिलेगा पाथ डिफरेंस में क्या मिलेगा जीरो बनेगा, थोड़ा अच्छे से सर्कल तुम लोग बना लेना। उसी तरह मैं बोलूं कि इस वाले पॉइंट पे क्या मिलेगा, जो जो बिल्कुल ईजी निकालना वहां पे निकाल लो। तो इस वाले पॉइंट पे क्या मिलेगा, अगर मान लो ये x2 है और ये क्या आपका x1 है, तो इनका डिफरेंस क्या होगा 2λ के बराबर होगा। तो यहाँ +2λ लिख लो, यहाँ पे क्या होगा -2λ के बराबर होगा पॉइंट डिफरेंस। इतनी बातें हो गई। अब क्या करना है, इतनी बातें कर लिया तो अपने आप सारी चीजें वैल्यू निकालने के लिए आने वाली है। देखो कैसे, 0 और 2λ के बीच में एक यहाँ पे होगा +λ, उसी तरह यहाँ पे क्या होगा 0 और 2λ के बीच में यहाँ पे मेरे पास एक लेमडा होगा, ठीक है। उसी तरह चलो मैं इस साइड वाले को क्या करता हूँ प्लस ले लेता हूँ, ठीक है आप ले सकते हो कोई फर्क नहीं, आप प्लस लो या माइनस लो, आपको मल्टीपल ऑफ लेमडा मिलना चाहिए, ठीक है। उसी तरह अगर 0 और -2λ है तो इसके बीच में मेरे को मिल जाएगा एक -λ मिल जाएगा, है ना। उसी तरह अगर 0 -2λ है तो इधर क्या मिल जाएगा मेरे को -λ मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, तो हमें लेमडा का मल्टीपल मिल गया, इससे ज्यादा कुछ मिलने वाले हैं। अब काउंट कर लो कितने आपके हैं लेमडा का मल्टीपल, और साथ में जीरो भी काउंट करना है, तो मैक्सिमम कितना मिलेगा कितने पॉइंट पर वो तुम देख लो। तो एक तो मेरे पास जीरो एक ये हो गया, एक जीरो ये हो गया, दो यहां से मिल गया और दो ये मिल गया, चार मिल गया, दो ये मिल गया, छह मिल गया और दो ये मिल गया, तो ये आठ हो गया। कितने हो गए मैक्सिमा, ये आठ पे मैक्सिमा होगा। मिनिमा के लिए क्या करते हैं बच्चों, ये लिख लो कॉन्सेप्ट क्या है, डेल्टा एक्स पार डिफरेंस शुड बी मल्टीपल ऑफ व्हाट, ऑड मल्टीपल ऑफ व्हाट लेमडा बाई टू। चलो अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। जीरो याद रखना, दो मैक्स के बीच में एक मिनिमा मिलेगी, तो एक तो यहाँ मिल जाएगा, एक यहाँ मिल जाएगा, एक यहाँ मिल जाएगा, तीन हो जाएगा, एक यहाँ मिल जाएगा, चार, एक यहाँ मिल जाएगा, पाँच, एक मिल छः, एक सात, एक आठ, यहाँ पे भी मिल रहा है आपका मिनिमा कितना मिलेगा आठ मिलेगा। चलो प्रूफ करते हैं कैसे, डायरेक्ट याद रख लो दो मैक्स के बीच में एक क्या मिलेगा मिनिमा मिलेगी, या दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा मिलेगी अल्टरनेट। देखो कैसे, जीरो है लेमडा है तो इसके बीच में क्या हो जाएगा +λ/2 मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा एक मिनिमा ये मिल गया, लेमडा टू लेमडा के बीच में क्या मिलेगा आपका लेमडा टू लेमडा के बीच में क्या होगा +λ में क्या करो ऐड करो हाफ, तो क्या हो जाएगा 3λ/2 मिल जाएगा, तो +3λ/2, ये भी λ/2 का मल्टीप्लाई ऑड, तो ये दो हो गया, यहाँ पे दो हो गया। यहाँ पे आ जाओ, अगर ये 2λ है और ये λ है, ऐसे देख लो यहाँ, चलो इस वाले रेंज में ऐसे चलो ऐसे, तो 0 है λ है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपका λ/2 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा आपका λ के बाद 3λ/2, यहाँ पे 3λ/2, तो एक तो यहाँ पे एक और एक दो दो हो गया यहाँ से, और यहाँ से एक और दो, यहाँ से दो दो कितना हो गया चार हो गया, ये हो गया। यहाँ पे आ जाओ, 0 और -λ है तो इसके बीच में क्या जाओ -λ/2, -λ और -2λ के बीच में क्या मिल जाएगा -3λ/2, तो दो यहाँ से मिल गए एक और एक, तो यहाँ से दो हो गया। इसमें आ जाओ तो 0 और -λ के बीच में क्या मिलेगा -λ/2, और यहाँ पे क्या मिलेगा -λ-2λ के बीच में -3λ/2, तो मिल गया λ/2 का मल्टीपल λ/2 और मल्टीपल λ/2 -3λ/2, यहाँ से भी दो मिल गया, तो 2+2+2+ कितना हो गया 8 मिल गया। दैट मीन्स लिख लो आपका मैक्सिमा कितना मिलने वाला बच्चों 8 मिलेगा, और मिनिमा भी कितना मिलेगा आपका 8 मिलेगा, दो मैक्सिमा 8 मैक्सिमा और 8 मिनिमा बनेगा, ये आपका आंसर होगा। आई होप ये बातें क्लियर हो गई कैसे निकालना है, कॉन्सेप्ट क्या इसका कॉन्सेप्ट है डेल्टा एक्स, अगर तो इस तुम्हें पता है पार्ट डिफरेंस मैक्सिमा किस में क्या होगा, पार्ट डिफरेंस मिनिमा किस क्या होगा, तो आप निकाल सकते हो। पार्ट डिफरेंस मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस होने के लिए आपको लेमडा का मल्टीपल होना पड़ेगा, और मिनिमम मिनिमा के लिए क्या होना पड़ेगा पार्ट डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, इतना होने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि डेल्टा एक्स कैसे निकालते हैं, हर एक पॉइंट पे कैसे निकालते हैं, उस सोर्स की जो भी डिस्टेंस है उनका डिफरेंस ले लेगा हमें मिल जाएगा। तो सर्कुलर ट्रैक में तुमको सिखा दिया है ना, और आपको ऐसे लाइन का फॉर्मेट दिखा दिया, तो आप ये सीख गए, या किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे ये भी तुम सीख गए। हाँ तो बच्चों अगली हेडिंग आप लोगों लगा लो, स्टैंडिंग वेव इन साउंड वेव। देखो साउंड वेव में तुमने इंटरफेरेंस पढ़ा कैसे, जैसे बिल्कुल सेम था आपका इंटरफेरेंस इन ट्रांसवर्स वेव या वेव ऑन स्ट्रिंग, उसी तरह पढ़ना है स्टैंडिंग वेव इन साउंड वेव। साउंड वेव में कैसे आपकी इंटरफेरेंस आपकी स्टैंडिंग वेव बनेगी हमें वो चीज़ देखना है। चलो देखते कैसे। तुमको पता है कि s इक्वल टू s नॉट साइन ओमेगा इनटू टी माइनस kx होता है, अगर मैं मानता हूँ तो प्रेशर का क्या मिलेगा मेरे को p इक्वल टू p नॉट cos ओमेगा इनटू टी माइनस kx, अगर ये साइन है तो मेरे को मिल जाएगा cos में। तो ये तो मैंने अभी तुमको ऐसे जनरल समझाया कि अगर ये साइन में तो मेरे को मिल जाएगा cos में, अगर ये cos है तो मेरे को मिल जाएगा साइन में, क्योंकि पाथ डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, π/2 होता है, डिस्प्लेसमेंट
वेव प्रेशर वेव भी। अब तुमको क्या करना है, ध्यान सुनो, तुमको स्टैंडिंग वेव जनरेट करना है। स्टैंडिंग वेव कब जनरेट होती है, एक तो इस डायरेक्शन से एक वेव आए और एक इस डायरेक्शन से वेव आए, जिनका एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। चलो देखते हैं वो वाले। तो एक मैंने इक्वेशन ले लिया, प्रेशर वेव ले रहा हूँ, बार बार वही ले रहा हूँ, P1 = P0 cos ωt - kx लिया, एक लिया P2 = P0 cos ωt - kx प्लस kx। चलो ध्यान से देखते हैं, क्या दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, हाँ सेम है। क्या फ्रीक्वेंसी सेम है, हाँ सेम है। माइनस प्लस ये बता रहा है कि एक से एक पॉजिटिव में है तो क्या निगेटिव डायरेक्शन में है, बिल्कुल मेरी सारी कंडीशन सही है। अब क्या हम लोग करते थे कि हम लोग देखते हैं कि अगर एक ऐसे वेव आ रही है और एक ऐसे वेव आ रही है तो कैसे इनका इनका रिजल्टेंट वेव कैसे बनेगा, हमें वो चीज़ देखने के लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा देते हैं। तो P = क्या मिल जाएगा हमें P1 + P2 मिल जाएगा यहाँ से, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। तो अगर यहाँ से अगर आप लगाते हो बच्चों, तो इन दोनों को अगर लगाओगे तो यहाँ मिल जाएगा P = 2P0 sin cos x cos ω t। 2P0 sin kx cos ω t तुम्हें याद होगा, इसके पहले हम लोग पढ़े थे, तो उसके पहले पढ़े थे y = 2a cos kx sin ω t पढ़े थे ना, ऐसे पढ़े थे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a cos kx नहीं आया जाएगा, यहाँ पे cos kx की जगह sin kx हो जाएगा, और जहाँ पे sin ओमेगा इनटू टी होता था वहाँ पे क्या जाएगा, cos ओमेगा इनटू टी उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो हम लोग वेव लेते थे y = a sin ωt - kx था, वहाँ पे क्या था y = a sin ωt + kx था। जब यहाँ पे साइन था तो यहाँ पे को कॉस मिला था, और जब यहाँ पे कॉस है तो साइन मिलेगा, जस्ट उसका रिवर्स सब कुछ। तो 2P0 sin kx cos ωt आ गया। तो ये मेरे को दिख रहा है कि ये भी क्या है, एक SHM की तरह आपकी रिजल्टेंट वेव मिलेगी, वो भी SHM करेगी। लेकिन अगर हम करें आपकी कंपेयर करें इसे y = a sin a cos ωt से, तो ये मेरे को मिलेगा एम्पलीट्यूड। पर ये जो एम्पलीट्यूड है क्या, मैंने मान लिया PS हो गया, PS वहाँ पे क्या लिए थे, AS लिए थे, AS क्या था, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव। यहाँ पे क्या है, स्टैंडिंग वेव का क्या है, प्रेशर वेव एम्पलीट्यूड है। तो PS इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव। अब ये PS क्या है बच्चों, 2P0 sin kx, यानी कि ये जो PS स्टैंडिंग वेव का जो प्रेशर प्रेशर एम्पलीट्यूड है वो क्या है आपका, डिपेंड, ऐसा नहीं कॉन्स्टेंट है, वो वेरी कर रहा है, और वेरी कर रहा है साइन के साथ। कैसे वेरी करेगा, साइन के साथ वेरी करेगा, ठीक है। तुमको पता है हमें नोड और एंटी नोड की क्या करनी, पोजीशन पता करनी है। तो तुमको तो बेसिकली मैंने क्या कर दिया, बिल्कुल ये तुमको लाग पटक दिया कि एम्पलीट्यूड इसका क्या होगा, तो 2P0 sin kx जो कि साइन पे डिपेंड कर रहा है। तो नोड की अगर हम पता करें कि नोड मेरा कहाँ कहाँ बनेगा, तो नोड बनने के लिए मेरा क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्योंकि नोड पे क्या होता है, किसी पार्टिकल का जो फिक्स होता है परमानेंट होता है, यानी कि उसी तरह क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर एम्पलीट्यूड स्टैंडिंग वेव का प्रेशर एम्पलीट्यूड क्या होगा, जीरो होना पड़ेगा। इसको जीरो होने के लिए, इस पूरे टर्म को जीरो होने के लिए 2P0 की वैल्यू चाहे कुछ भी, साइन केस की वैल्यू मेरा जीरो हो जाए तो मेरा पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। साइन केस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो चाहिए। तो साइन केस जीरो तब बनेगा जब साइन जीरो तब होता है जब साइन क्या होना चाहिए, पाई का मल्टीपल हो, चाहे पाई हो, 2π हो 3π, अगर पाई का मल्टीपल आ जाए तो हमेशा साइन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। साइन पाई जीरो, साइन 2π जीरो, साइन 3π जीरो, साइन 1000π जीरो, साइन 30000π जीरो, ऑलवेज जीरो। तो यहाँ से अगर देखें तो केस की वैल्यू क्या मिल जाएगा, nπ मिल जाएगा, और k को मैं चाहता 2π/λ(x) लिखूं तो n(π), तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा बच्चों, पाई से पाई कट जाएगा यहाँ से, तो s की वैल्यू मिलने वाली मेरे को n(λ/2) मिल जाएगी, है ना। देख लो यहाँ से s की वैल्यू क्या मिल जाएगा, n(λ/2, λ/2 के मल्टीपल मिल रहा है। तो s की वैल्यू क्या होगा, λ/2, 3λ/2, 5λ/2, है ना, ये आपको मिल जाएगी वैल्यू आपको मिलने वाली है। s की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, λ/2, 3λ/2, 5λ/2 मिलेगी। एक सेकंड रुकना, यहाँ से क्या मिलेगा, पाई से पाई कट जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगा, n(λ/2। तो n की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो ना, जीरो पुट करो तो n की वैल्यू जीरो पुट करो तो जीरो हो जाएगा, एक्स की वैल्यू n की वैल्यू 1 पुट करो तो λ/2 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करो तो लेमडा मिल जाएगा, n की वैल्यू क्या पुट करो 3 तो 3λ/2 मिल जाएगा, ऐसे मिलेगा λ/2, λ/3λ/2, फिर यहाँ पे मिल जाएगा 2λ, फिर यहाँ पे 2.5λ/2 हो जाएगा, उनके 5λ/2। तो ये आपको ऐसे मिलेगी, तो ये नोड की पोजीशन आपको मिलेगी ये। अच्छा एक चीज़ याद रखना, थोड़ा सा जाकर चेक करना खुद जो मैंने पढ़ाया, तुमको वहाँ पे क्या मिलेगा कि जो अपने को नोड मिलता था वहाँ पे बेसिकली वो क्या मिलता था बच्चों, जो हमें नोड मिलता था यहाँ पे, वहाँ पे उल्टा कुछ हो रहा था, वहाँ पे λ/4, 3λ/4 या 5λ/4 ऐसा कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा देखना, जस्ट उल्टा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेव में जब मैंने y = a sin kx के फॉर्म में कराया था, y = a sin ωt - kx, वहां पे नोड के लिए ये पॉइंट नहीं मिल रहा होगा, जस्ट उल्टा मिल रहा होगा। फॉर एंटी नोड के लिए क्या होगा बच्चों, अभी इसको छोड़ दो, यानी कि उल्टा मिलेगा ये दिमाग में रख लो बस। एंटी नोड के लिए बात करें, फॉर एंटी नोड के लिए तो sin kx की वैल्यू क्या मिलने वाली बच्चों,
प्लस माइनस वन होना पड़ेगा, क्योंकि एंट्री नोड क्या होता है, ऊपर भी मैक्सिमम ले सकता है और नीचे भी मैक्सिमम होता है, ऊपर के लिए मैक्सिमम प्लस वन, नीचे के लिए क्या जाएगा माइनस वन हो जाएगा, है ना। साइन के वैल्यू देख लो, ये पी एस को मैक्सिमम होने के लिए साइन केस अपने साइन केस के वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, मैक्सिमम लेना पड़ेगा। साइन केस के लिए या तो प्लस वन हो जाए मैक्सिमम या तो माइनस वन हो जाए, क्योंकि ऊपर भी होता है नीचे होता है, तो साइन केस के वैल्यू होना चाहिए प्लस माइनस वन। तो केस के वैल्यू क्या जाएगा टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, ये यानी कि पाई बाई टू के मल्टीपल पर क्या हो जाएगा प्लस वन माइनस वन मिल जाएगा, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव बाई टू, पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू। तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स की वैल्यू मिल जाएगा लैम्डा बाई फोर, थ्री लैम्डा बाई फोर, फाइव लैम्डा बाई फोर करके देख लेना, या के ऊपर टकना टू पाई बाई लेमडा, तो लेमडा बाई फोर को और मल्टीपल क्या मिलेगा आपको एंटी नोड, और वहां पे उल्टा होता था जब डिस्प्लेसमेंट वेव पढ़ते थे, वहां पे क्या होता था लेमडा बाई फोर के मल्टीपल क्या मिलता था हमें नोड मिलता था, क्या मिलता था हमें जो वहां पे नोड मिलता था, इतनी बात क्लियर होगी। तो हमने देखा सब कुछ उल्टा हो गया, बस यही देखना है आपको, बस डिफरेंस देखना था, हमने देखा सब कुछ उल्टा है। तो नोड का लिख लो, जहां पे प्रेशर वेव का नोड होगा वहीं पे डिस्प्लेसमेंट वेव का एंटी नोड होगा एंड वाइस वर्सा, बहुत सिंपल है। तो बड़ा सिंपल है यार, अगर तुमको जानना है प्रेशर वेव के थ्रू कॉन्सेप्ट स्टैंडिंग वेव में कि प्रेशर वेव का कहां नोड बनेगा कहां पे एंटी नोड बनेगा, तो डिस्प्लेसमेंट वेव का नोड एंटी नोड बना लो पहले, जहां पे डिस्प्लेसमेंट वेव का आपका नोड बनेगा वहां पे प्रेशर वेव का एंटी नोड बनेगा, एज सिंपल है। तो बिल्कुल सिंपल है, अगर आप जब का जानना है प्रेशर वेव कहां पे नोड बनाएगा एंटी नोड बनाएगा, सबसे पहले तो क्या करो आप डिस्प्लेसमेंट वेव पे ड्रॉ कर लो, और डिस्प्लेसमेंट वेव ड्रॉ करके आप वहां पे जस्ट उल्टा कर दो तो आपको मिल जाएगा प्रेशर वेव का एंड नोड। यहां पे फिगर देखो, यहां पे मैंने क्या किया कि एस और एक्स के बीच में, मतलब क्या एस का मतलब क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट, और एक्स के बीच में मैंने क्या बना दिया स्टैंडिंग वेव बना दिया। तो स्टैंडिंग वेव बनाऊंगा तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा फिक्स होगा नोड बन जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या बनेगा एंट्री नोड बनेगा, ये वाला क्या पॉइंट बनेगा नोड बनेगा, ये वाला पॉइंट क्या नोड है, ये वाला पॉइंट क्या नोड है, ये वाला पॉइंट क्या एंट्री नोड है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला क्या एंट्री नोड है, ठीक है। तो ये तो तुमको डिस्प्लेसमेंट वेव में सारी चीजें क्लियर है, लेकिन अगर तुमसे ये पूछा जाए कि प्रेशर वेव में क्या होगा तब तुम क्या करोगे, तब तुमको बताना है कि क्या करोगे। तो बहुत सिंपल है, सिंपल क्या है कि जहां पे ये एंटी नोड है उस उसका उल्टा होने वाला है, एंटी नोड क्या बन जाएगा नोड बन जाएगा प्रेशर वेव के लिए, और नोड क्या बन जाएगा एंटी नोड हो जाएगा जस्ट अपोजिट। तो इस वाले पार्टिकल के मैक्सिमम यहां जा सकते हैं यहां जा सकता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां के एंटी नोड प्रेशर वेव केस में नोड बन जाएगा, यहाँ का एंटी नोड प्रेशर के केस में क्या बन जाएगा नोड बन जाएगा, यहाँ का एंटी नोड प्रेशर वेव के केस में क्या बन जाएगा नोड बन जाएगा। यहाँ पे देख लो मैंने प्रेशर वेव ले लिया, यहाँ पे पी ले लिया एक्सिस, और एक्स तो उधर रहेगा, दोनों के लिए सेम रहने वाला है। अब क्या है ये वाला जो पॉइंट है मैक्सिमा देगा, ये वाला क्या होगा पॉइंट, मतलब ये क्या है आपका ये नोड है तो ये एंटी नोड बनाएगा, ये नोड है तो क्या होगा एंटी नोड बनाएगा आपका, ये नोड है तो क्या बनाएगा एंटी नोड बनाएगा आपका, ये नोड है तो क्या बनाएगा एंटी नोड बनाएगा आपका। चलो अब देखो कैसे ड्रॉ करते, ध्यान से देखना कैसे ड्रॉ करा मैं। ठीक है, इन पॉइंट को मिलाते जाओ, तो आज तुम लोग कलाकारी अच्छी होगी, तो आई होप तुम लोग और अच्छा में ऐसे बनाओगे, ठीक है। ये ऐसे बने देख लो, ये वाला पॉइंट नोड था, ये पॉइंट फिक्स था, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट क्या है जीरो इस पार्टिकल का, लेकिन ये वाला पार्टिकल का जो प्रेशर है मैक्सिमम भी जा सकता है मिनिमम जा सकता है, तो प्रेशर एम्पलीट्यूड क्या होगा, या प्रेशर सॉरी स्टूडेंट, तो प्रेशर का क्या होगा बच्चों यहाँ पे एंटी नोड बनेगा, इस वाला ये वाला पार्टिकल क्या है एंटी नोड है, यानी कि मैक्सिमम जा सकता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यहां तक हो सकता है यहां तक हो सकता है, लेकिन प्रेशर बिल्कुल क्या है यहां पर जीरो, डेल्टा पे क्या जीरो, उसका प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर का क्या बन जाएगा नोड बन जाएगा, इसे बोलेंगे प्रेशर का नोड बोलेंगे, ये प्रेशर का एंटी नोड बनेंगे। ये जो नोड है डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है जीरो है, पर उसके पास प्रेशर क्या है फ्री है, बिल्कुल मैक्सिमम प्रेशर दे सकता है ऊपर में और नीचे भी मैक्सिमम प्रेशर दे सकता है निगेटिव में। ये वाला पॉइंट क्या है यहाँ पे एंटी नोड था तो ये नोड हो गया इसका, तो जस्ट उल्टा है, तुम देख रहे हो कैसे बनना है। तो यही सारी चीज़ें हैं बच्चों, तो ये स्टैंडिंग वेव था नथिंग, बिल्कुल जीरो था। आप बहुत जगह आपका जो मैंने डेरिवेशन करा है वो भी नहीं लोग कराते हैं, सीधे इस वाले पॉइंट पर आते हैं कि जो आपका बस एक ही पॉइंट याद रख लो कि डिस्प्लेसमेंट प्रेशर वेव का एंटी नोड वहां मिलेगा जहां पे डिस्प्लेसमेंट वेव का उल्टा हो जाएगा, ठीक है, जस्ट उल्टा कर देना। तो बड़ा सिंपल है, अगर तुमको प्रेशर वेव दे रखा है तो डिस्प्लेसमेंट का पता कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट का दे रखा है तो प्रेशर का पता कर सकते हो। तो एंटी नोड मान लो कि ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेव है, ये क्या डिस्प्लेसमेंट वेव है, तो डिस्प्लेसमेंट वेव का अगर एंटी नोड है तो प्रेशर वेव क्या बन जाएगा साइड नोड बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात है, तो इसे अच्छे से नोट कर लो, ओके।
अगले हेडिंग लगा लो बच्चों, स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप, मतलब ऑर्गन पाइप में कैसे स्टैंडिंग वेव पड़ेंगे। जैसे हमने सीखा था स्टैंडिंग वेव जनरेट करने के बाद हमने क्या किया था, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग आपने जनरेट किया था व्हाट, स्टैंडिंग वेव। तो कैसे किया था हम लोग, यहाँ से आपकी जा रही थी वेव, अगर ये फिक्स एंड है तो इसका क्या बन जाएगा, जस्ट फेज का फेज डिफरेंस क्या होगा, पाइप होगा, और यहाँ से स्टैंडिंग वेव बन जाएगा। तो वो तो आपका स्ट्रिंग में बनता था। साउंड वेव के केस में क्या होता है, इसमें नहीं बनता है, उसमें क्या बनता है, ऑर्गन पाइप में बनता है, स्टैंडिंग वेव ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप क्या है यार, देखो छोटी सी पाइप होती है जिसकी डायमीटर बहुत ही कम होती है, लाइक बांसुरी हो गया, ये सारी चीज़ हो गई, तो पाइप को हम लोग ऑर्गन पाइप बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते। तो यहाँ पे क्या है, दो टाइप का ऑर्गन पाइप पढ़ना होता है, ऑर्गन पाइप टू टाइप, एक तो हमें पढ़े क्लोज ऑर्गन पाइप, एक पढ़े ओपन ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप क्या होता है, एक एंड क्या होता है फिक्स होता है, क्लोज होता है, और एक एंड क्या होता है ओपन होता है, इसी को क्लोज ऑर्गन पाइप बोलेंगे। गलती मत करना, ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं हालांकि पढ़ने को कि दोनों एंड का क्या होगा फिक्स हो, दोनों अगर दोनों एंड क्लोज आएगा तो आप एयर कहाँ से पास कराओगे, जरा सोचो साउंड कहाँ से पास कराओगे, इसलिए दोनों एंड नहीं मिलेगा। तो ये क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या होगा, एक एक एंड क्लोज होगा और एक एंड ओपन होगा। ओपन ऑर्गन पाइप क्या होगा, जब दोनों एंड क्या होगा आपका ओपन होगा, तो हम लोग बोलेंगे ये ओपन ऑर्गन पाइप है। तो यही आपको मिलेगा, एक तो एंड आपका क्लोज होगा, एक एंड, एक दोनों एंड क्या होगा ओपन होगा। तो अगर एक एंड क्लोज है एक एंड ओपन है तो बोलेंगे क्लोज ओपन, अगर दोनों एंड ओपन है तो बोलेंगे तब बोलेंगे जाके ओपन ओपन ऑर्गन पाइप। अगर दोनों जब तक ओपन नहीं होगा तब तक हम लोग ओपन ऑर्गन पाइप नहीं बोलेंगे। तो ये तो ऑर्गन पाइप होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडिंग वेव जनरेट करेंगे इनमें। कैसे स्टैंडिंग वेव जनरेट करते हैं, सपोज करो कि ये आपकी बांसुरी थोड़ी सी मालूम पड़ती है और यहाँ से आपने क्या फूक मारा, तो आपका क्या होगा, ये वेव के फॉर्म ऐसे जाएगी और यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और फिर यहाँ से ऐसे जाके कुछ ऐसे बनेगी, तो स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेट होगी। तो अभी देखते हैं अलग अलग कहानियाँ इनकी सारी, ठीक है। तो ये तुम आई होप समझ में आ गया होगा कि ऑर्गन पाइप क्या है, उनके टाइप क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए। चलो तो देखो बच्चों, क्लोज ऑर्गन पाइप में कैसे हम लोग स्टैंडिंग वेव का फ्रेम करने वाले हैं, ठीक है। आप मान लो कि इधर ये क्लोज है, ये ओपन है, आप क्या कर सकते हो, इधर से आप क्या करोगे, वेव इन इंसिडेंट करोगे और यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब हमें देखना है कि नोड और एंटी नोड क्या बनने वाला है। अब सवाल तुम्हारे पास दो है, जब आपका स्ट्रिंग में देख रहे थे तो सारा काम आसान था क्योंकि वहाँ पे हर जगह डिस्प्लेसमेंट देख रहे थे, पर यहाँ पे दोनों तरह से डील कर सकते हो, प्रेशर नोड और डिस्प्लेसमेंट नोड से डील कर सकते हो। तो हमें जहाँ पे आसानी जो लगेगी हम वहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट नोड लेने की कोशिश करेंगे। तो अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे आएगा बच्चों तो यहाँ पे आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, यहाँ पे टकरा के उसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मतलब बेसिकली क्या, कोई भी पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यानी कि फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नोड बनेगा, क्या बनेगा, नोड बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, आपका नोड बनेगा और यहाँ पे जो आपका बिल्कुल फ्री है यहाँ पे एक पार्टिकल, वहां बनेगा आपका एंटी नोड बनेगा। तो आप बना दो, तो ये जो अपन नोड बना रहे हैं और ये एंटी नोड बना रहे हैं, बेसिकली ये क्या डिस्प्लेसमेंट वाला नोड है, ध्यान रखना। तो मैंने क्या क्या कि बना दिया इसे, ठीक है, ये बना दिया नोड और यहां पे क्या हो गया, एंटी नोड हो गया। अगर इस ट्यूब की लेंथ L है तो अगर ये कितनी लेंथ होगी, एक दो नोड या एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई टू होता है, लेकिन एक नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस क्या होता है, लैम्डा बाई फोर होता है। तो लिख दो कि ये जो लेंथ हो जाएगा लैम्डा बाई फोर के बराबर होगा, तो यहां से जो मेरे को लैम्डा मिलेगा वो क्या बनेगा, फोर इंटू एल बनेगा, यानी कि लेंथ का फोर टाइम्स होगा आपका जो लेमडा होगा। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, हमारा तो सारा काम क्या है, हमें देखना है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होने वाली है। तो अगर फ्रीक्वेंसी देखें तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि स्पीड ऑफ वेव अपॉन वेव लेंथ, वी तो रहेगा सेम, लेमडा की वैल्यू मेरे को मिल गया फोर इंटू एल, तो एफ वन कितना बच्चों को मिल गया, बच्चों वी बाई फोर एल मिल गया, इतनी काम हो गई इसकी। सेकेंड वाले में आ जाओ, जब यहाँ पे एक नोड बनाए बीच में कहीं एक और नोड बने तब क्या, तब कैसे करेंगे अपन, बीच में एक और नोड बने तब उसके लिए हम लोग कुछ ऐसे करेंगे, यहाँ पे तो एंटी नोड बनेगा और यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, देख लो। तो एक नोड यहाँ पे, एक नोड यहाँ पे और एक नोड यहाँ पे, तो फ्री ऑलवेज यहाँ पे क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। फिर से मैं रिपीट कर दूँ, ये सारे जो नोड एंटी नोड ड्रॉ कर रहे हैं एट द रेफरेंस, आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉ कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के, हम लोग प्रेशर नोड के बारे में बात नहीं करेंगे। क्लियर कट बिल्कुल जरूरी है कि कहाँ पे किसकी बात होने वाली है। अगर यहाँ पे तुम देखो तो लेंथ का ट्यूब तो चेंज होने वाला नहीं, पर ये जो डिस्टेंस कितनी आपकी लैम्डा बाई टू है और ये कितनी लैम्डा बाई फोर है, लैम्डा बाई टू और लैम्डा बाई फोर कितना होगा, मैं यहाँ पे लिख देना, आप थोड़ा सा स्पेस ले अच्छे से लिखना। तो एल इक्वेशन लैम्डा बाई टू प्लस में क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई फोर, तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थ्री लैम्डा बाई फोर हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, थ्री एल बाई फोर हो जाएगा।
तो फ्रीक्वेंसी अगर मैं इसके लिए फ्रीक्वेंसी एफ टू से रिप्रेजेंट करूँ तो वी अपॉन में लेमडा हो जाएगा, लेमडा का वैल्यू क्या 3L/4 है, तो यहाँ पुट करोगे तो मिल जाएगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा 3V3L/4, ऐसा है क्या? 4L/3 होगा, लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 4L/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3V/4L हो जाएगा, अगर लेमडा का वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3V/4L। उसी तरह अगर आप दो नोड बनाओ बीच में, दो डिस्प्लेसमेंट नोड बनाओ, एक नोड बीच में क्या देंगे, एक दो तीन नोड बनाओ, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो कुछ आपकी ऐसे मिलके ऐसे हो जाएगी और ऐसे मिलके ऐसे हो जाएगी, ठीक है, देख लो एक नोड यहाँ पे, एक नोड यहाँ पे, एक नोड यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, एंटी नोड मिलेगा। लैम्डा बाई टू कितना होगा, लैम्डा होगा लैम्डा प्लस लैम्डा बाई फोर, कितना हो जाएगा 5λ/4 हो जाएगा, तो यहाँ से लेमडा की एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5λ/4 हो जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 4L/5 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर लेमडा की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, स्पीड अपॉन लेमडा, एफ थ्री से अगर रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 5V/4L मिल जाएगा, 5V/4L मिल जाएगा। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि वी बाई फोर एल का ऑड मल्टीपल है, यहाँ पे वी बाई फोर एल का मल्टीपल क्या 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 5 है, ऑड मल्टीपल है। तो अगर मैं nth फ्रीक्वेंसी पे लिखूँ तो ऑड के लिए हमेशा क्या, इवन के लिए बच्चों याद रखना 2n होगा, ऑड के लिए 2n+1 हो जाएगा। तुमने देखा था पाई का बोला था, इवन मल्टीपल पाई का ऑड मल्टीपल बोला, तो वहाँ पे इसे यूज की थी, तो 2n+1 क्या होगा, ऑड मल्टीपल है किसका, वी बाई फोर एल का ऑड मल्टीपल, देख लो चेक करना है। तो n के लिए 0 पुट करो V/4L, n के लिए 1 पुट करो 3V/4L, n के लिए 2 पुट करो 5V/4L, तो ये जनरलाइज होगा। अब सवाल ये कि F1 को क्या बोलेंगे, तो F1 को हम लोग फंडामेंटल बोलेंगे, F2 को फर्स्ट ओवरटोन, F3 के लिए थर्ड ओवरटोन, ऐसे याद करो, फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन थर्ड ओवरटोन। लेकिन अगर बात करें फंडामेंटल को हम लोग क्या बोलेंगे, V by 4L का मल्टीपल क्या 1 है, तो फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक। V by 4L का कोएफिशिएंट यहां पे क्या 3 है, V by 4L का जो कोएफिशिएंट होगा वही हार्मोनिक होगा, 3 है, तो F2 को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थर्ड हार्मोनिक। यहाँ पे F3 को क्या बोलेंगे, V by 4L का मल्टीपल क्या 5 है, तो यहाँ पे बोलेंगे फिफ्थ हार्मोनिक बोलेंगे। तो फंडा देख रहे होगा कितना इजी तरीके से अपने को चीज़ों को समझना है। V by 4L का जो भी कोफिशियंट 1 है, तो फर्स्ट हार्मोनिक के केस में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं देखना, V by 4L का यहाँ पे 1 है तो फर्स्ट हार्मोनिक, यहाँ पे 3 थर्ड हार्मोनिक, यहाँ पे 5 तो 5 हार्मोनिक। फंडामेंटल का तो सीरीज चलता है, फंडामेंटल फर्स्ट ओवर टोन, सेकंड ओवर, थर्ड ओवर टोन, ठीक है। अब तुम्हारा और यहाँ से अगर रेशियो देखें F1 F2 F3 का, तो V/4L हर जगह कॉमन है तो कट जाएगा, तो 1:3:5 का रेशियो मिल जाएगा यहाँ से। अब प्रेशर नोड एंटी नोड की बात करें कि अगर यही मेरा ट्यूब है, क्लोज आर्गन पाइप है, अगर मैं बोलूँ कि आप क्या करो, प्रेशर नोड और एंटी नोड ड्रॉ करो, तो बहुत सिंपल है, जहाँ पे नोड बनाया वहाँ पे क्या बन जाएगा, एंटी नोड बनेगा, और जहाँ पे एंटी नोड है वहाँ पे क्या बन जाएगा, नोड बन जाएगा। तो यहाँ पे नोड बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, प्रेशर का एंटी नोड बनेगा, तो आपका ऐसे बन जाएगा, दिख रहे हैं आपको, देख लो यहाँ पे नोड बन गया, यहाँ पे क्या हो गया, एंटी नोड बन गया इस वाले पॉइंट पे, तो जस्ट उल्टा है, जो फंडा भी स्टैंडिंग वे में सिखाया तो वही फंडा चल रहा है, तो देख लो। तो ये क्लोज आर्गन पाइप का सारा कॉन्सेप्ट है, देख ले तुम्हारा सारा क्लियर हो गया, एक एक पॉइंट क्लियर, यहाँ पे कुछ बचा नहीं होगा। तो ये बात होगी क्लोज आर्गन पाइप की। अब क्या करते हैं हम लोग, अब ड्रॉ करेंगे ओपन ओपन एंड के लिए, देखेंगे क्लोज आर्गन पाइप था, ओपन आर्गन पाइप के लिए देखेंगे क्या होने वाला है। हेडिंग लगा लो बच्चों ओपन आर्गन पाइप, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ओपन आर्गन पाइप ले लिया, दोनों एंड क्या है ओपन है, तो हम लोग बोलेंगे ओपन आर्गन पाइप। अब तुम बोले तुम जैसे चाहो ऐसे मैं ड्रॉ करता हूँ नोड एंटी नोड, तुम अगर ये चाहते हो कोई डिस्प्लेसमेंट नोड ड्रॉ करो तो चलो वही देख लेते हैं। तो यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा डिस्प्लेसमेंट का, और यहाँ पे क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा डिस्प्लेसमेंट का। तो ये तब पॉसिबल है जब आपका ये कुछ ऐसे और ये कुछ ऐसे जाए, तभी पॉसिबल है ना, है ना। तो ये नोड यहाँ पे एक नोड बन गया, तो एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, लैम्डा बाई फोर, और नोड एंटी बीच नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा बाई फोर, तो लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर कितना होगा, लैम्डा बाई टू। अगर मैं बोलूँ कि इसकी पूरी जो लेंथ है इस ट्यूब की ऑर्गन पाइप का, तो एल इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा बाई टू हो गया। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्पीड वी अपॉन में क्या होता है, लैम्डा होता है, लैम्डा का वैल्यू क्या है यहाँ से आ जाएगा बच्चों, 2L हो जाएगा, है ना, एल इक्वल टू लैम्डा बाई टू एल, लैम्डा बाई टू, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, 2L होगा। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू पुट करो व्हाट, तो यहाँ से हो जाएगा वी अपन में 2L। तो यहाँ से मेरे को दिख गया कि फ्रीक्वेंसी F1 क्या होगा, वी अपन में 2L हो गया, क्लियर है यहाँ से। अब इसी कॉरस्पॉन्डिंग मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने जैसे तुमको यहाँ पे दिखाया प्रेशर का नोड एंटी नोड, उसी तरह मैं प्रेशर सॉरी डिस्प्लेसमेंट का नोड एंटी वेव एंटी नोड, तो उसी तरह मैं दिखा दूँ तुमको प्रेशर का नोड एंटी नोड। तो यही मेरा क्या है, आपका ओपन एंड है, ओपन ऑर्गन पाइप है। तो यहाँ पे क्या होगा,
अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का इंटरनोड बना है तो प्रेशर का क्या बनेगा, नोड बनेगा, लिख लो प्रेशर का नोड, यहाँ पे क्या बनेगा, नोड बनेगा। तो ये कब पॉसिबल है ऐसे, तो एक तो ऐसी तो फर्स्ट एक तो ये केस पॉसिबल है पहला, बिल्कुल देखें तो ये हो गया, देख लो बन गया। तो ऐसे भी देख सकते हैं दो नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, लैम्डा बाई टू। तो यहाँ से देख लो अगर टोटल लेंथ एल है तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई टू, तो लैम्डा की वैल्यू कितना हो गया टू एल, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा वी अपॉन में लैम्डा टू एल। देखो ऐसे भी आ गया वी बाई टू एल, ठीक है। तो ये तुमको प्रेशर नोड लास्ट में लिखना, अभी तुमको इसके करस्पॉन्डिंग में समझा दिया हूँ। अगर अब आ जाओ यहाँ पे फिर से, जब सेकेंड बार अगला केस हो जाए कि जब दो नोड बने बीच में तब क्या करेंगे, तो दो नोड बने बीच में तो ऐसे कर लो, ये दो नोड बन गया, एक नोड और यहाँ पे लास्ट में, लास्ट में तो एंटी नोड होगा। तो ये लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर कितना होगा लैम्डा बाई टू होगा, और ये कितना हो गया लैम्डा बाई टू होगा, है ना, लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई टू, और ये लैम्डा बाई टू, यानी कि पूरा कितना होगा सीधे, चलो मैं लिख देता हूँ एल क्यू क्या होगा, ये कितना होगा लैम्डा बाई फोर, ये कितना होगा लैम्डा बाई टू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा लैम्डा बाई फोर हो जाएगा, तो कितना होगा ये टोटल एल के बराबर होगा। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा के बराबर, ये पूरा एल कितना हो जाएगा लैम्डा के बराबर। फ्रीक्वेंसी क्या होती है स्पीड अपन में क्या, ये F2 क्या हो जाएगा यहाँ पे स्पीड अपन में क्या वेवलेंथ, वेवलेंथ की वैल्यू कितना L के बराबर, तो V अपन L होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 2 नीचे मल्टीप्लाई होना है, तो 2L करने के साथ नहीं, अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना तो ऊपर भी होगा, तो F2 को 2 इंटू वी अपन 12 होगा। इसी तरह F3 क्या हो जाएगा 3 इंटू वी अपन 12 हो जाएगा, Fn क्या होगा N इंटू वी अपन 12 होगा। तुम बड़ा सिंपल है यार, देखो V by 12 का सीधे मल्टीप्लाई आ रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है। F1 को क्या बोलेगा फंडामेंटल, F2 को बोलेगा फर्स्ट ओवरटोन, F3 को बोलेगा थर्ड ओवरटोन, ठीक है सेकंड ओवरटोन। अगर F1 को हार्मोनिक के टर्म में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक लिख लो, F2 को क्या बोलेंगे तो कोफिशिएंट देखो V upon 12 का कोफिशिएंट क्या 2 है तो सेकंड हार्मोनिक, F3 को क्या बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक लिख लो जरूर यहां पे लिखो ऐसे करके स्लैश करके, फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक थर्ड हार्मोनिक। रेशियो देखो अगर F1 F2 F3 का लेकर ऐसे एन तक V upon 12 ऊपर V upon 12 upon 12 समय कॉमन कट जाएगा तो 1 2 3 ये रेशियो हो गया। अब प्रेशर नोड और एंटी नोड तुमको समझाया दिया, तो ये कार्य रहे तुम्हारा, काम ये है कि तुम देखना किस केस में स्ट्रिंग का बराबर है, तुम देखना कि स्ट्रिंग की किस